ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अवर, दिस इज गोइंग टू बी अवर थर्ड क्लास, थर्ड क्लास होगी आज, कॉस्ट शीट के ऊपर हमारी थर्ड क्लास है बेसिकली। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं थर्ड क्लास के अंदर पे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना स्टडी मटेरियल देखना एक बार कि इंस्टीट्यूट ने अपने साइड से कॉस्ट शीट चैप्टर कहां पर दिया है, कैसे दिया है, किस नाम से दिया है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को एक बार दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। ग्रुप नोट्स जो है आप लोगों को ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ग्रुप में, ठीक है, तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो डेफिनेटली, और ड्राइव में भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो देखो तुम लोगों की बुक में सबसे पहले मैं तुम लोगों को स्टडी मटेरियल का फ्रंट पेज दिखा दूं एक बार, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, ये देखो एक सेकेंड ना, ओके ये देखो, ये तुम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि तुम्हारा ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन है बच्चों, 5% मार्क्स का कवरेज लेके चलेगा अपने साथ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 15%, इसके अंदर में अभी क्या क्या है मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। CAS 1 से लेके CAS 24, अगेन अ थ्योरी पोर्शन, 10% कवरेज लेके चलेगा, 100 का बता रहा हूँ ना, इन टोटल 100 में से 10 मार्क्स, 100 में से 15 मार्क्स ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट बुक कीपिंग यानी कि तुम्हारा इसके अंदर इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके अंदर रोकफा है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, 10 मार्क्स का आएगा, बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने। वैसे मैं तुम लोग एक चीज बता दूं कि अगर ये वेटेज अलग से नहीं भी देते तो भी इंस्टीट्यूट की टेंडेंसी रही है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में रोकफा का एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता ही मिलता है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का। बाकी जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है मैं तुम लोग को उसकी इंपॉर्टेंस समझा ही दूंगा। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30% पोर्शन, इसके अंदर वही प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सब आएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर लाइक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एज पर 2022 सिलेबस, ठीक है, एज पर 2022 सिलेबस दिस इज गोइंग टू बी योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बार चैप्टर्स को अगर मैं देखूँ डिटेल में तुम लोगों को दिखाना चाहूँ तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पे मैं तुम लोगों को दिखाया था, ये देखो ये जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, इसके अंदर पूरा कवर होता है बच्चों थ्योरी, क्या कवर होता है थ्योरी, क्या थ्योरी भाई आप क्लास में कराओगे, थ्योरी बिल्कुल क्लास में कराएंगे, थ्योरी का इंपॉर्टेंस बढ़िया एग्जाम में, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे जी। तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, ये दिस इज योर थ्योरी वाला पोर्शन, बट इस थ्योरी के अंदर में यहां आपको डेडिकेटेड थ्योरी देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड थ्योरी जो मैं अभी तुम लोगों को पीडीएफ दिखा है वो वाला, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स डेडिकेटेड थ्योरी देखने को मिलेगी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड चैप्टर चालू हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगेन थ्योरी देखने को मिलेगी डेडिकेटेड, मैं तुम लोगों को सेग्रीगेट कर करके बता दे रहा हूँ, ये तीनों चैप्टर न्यूमेरिकल हो जाएंगे ना यहाँ पर, ये तीनों चैप्टर यहाँ पर न्यूमेरिकल बन के दिखेंगे। और फाइनली प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, ऑनगोइंग चैप्टर है, ठीक है, वो वाला चैप्टर तुमको 1.5 में देखने को मिलेगा, दैट इज आर समवेयर अराउंड इन योर पेज नंबर 46, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिर ये देखो मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये प्योर थ्योरी है, ये प्योर थ्योरी, मैं बस थ्योरी थ्योरी वाले पोर्शन तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब तो न्यूमेरिकल है। तो क्या भैया मेरे को एक चीज आप आज ही क्लियर कर दो, मैं पहले दिन से अपने आपको मेंटली रेडी रखना चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज ये बता दो, सुनो आप मेरे को प्लीज ये बता दो कि जो अपने न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं क्या उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे या कुछ थ्योरी उसमें से भी पूछी जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो न्यूमेरिकल चैप्टर है उसके अंदर से भी आपको थ्योरी देखने को मिल सकती है, तो ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि ये न्यूमेरिकल है तो मतलब थ्योरी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, आएगी, ठीक है, इसके अंदर से भी थ्योरी आ सकती है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर आप लोगों का मैंने आपको बता दिया है, कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये बुक कीपिंग वाला इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम ही है, फिर यहाँ पर ये अलग से लिख के रखें जबकि दोनों चैप्टर सेम ही है, ठीक है। और ये रोकफा, रिकंसिलिएशन, मैटर ऑफ कॉस्टिंग के अंदर जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, 5 चैप्टर, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक के अंदर मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, दैट्स इट। तो इतना आपके सिलेबस में है, अगर आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा है सिलेबस तो नहीं गाइस, बहुत बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा ये सिलेबस, लेकिन इतना है, ये करने के बाद में आपको कोई भी कॉस्टिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पूछेगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। देखो कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है जैसे कि मुस्कान, रितेश, दो जन बोल रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो बेटा तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी जब थोड़ा सा लो होगा तो हल्का ब्लर हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना है। जब तुम्हारा ब्लर भी हो रहा है तो देखो लिखने के लिए मैं तुम लोगों को सफिशिएंट टाइम दूंगा,
तुमको वॉइस क्लियर आते रहनी चाहिए, जैसे ही तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी अगेन रिवाइव होगा इमीडिएटली वो जो ब्लर हो रहा है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कुछ बच्चों का ब्लर नहीं भी हो रहा है तो वही इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर एकदम लैग ही हो जाएगा, एकदम सुनाई नहीं देगी आवाज बस, तो फिर मेरे को बता देना, तो आई विल डेफिनेटली पॉज फॉर 5 मिनट्स, लैग होगा तो फिर विल कंटिन्यू। ओके, ऐसा कर लेंगे। चलो, तो मैं तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने समझा था कि तीन प्रकार के मेजरली खर्चे हमको देखने को मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। एक होता है मटेरियल का खर्चा, एक होता है लेबर का खर्चा, और एक होते हैं अदर एक्सपेंसेस। जो मटेरियल होता है उसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट सकते हैं, लेबर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट सकते हैं, और एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट सकते हैं। डायरेक्ट खर्चे कौन से खर्चे होते हैं जो कि पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि भैया आप पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चों का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट खर्चे बेटा मैंने तुमको बता दिया प्राइमरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइमरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट लग रही है, डायरेक्ट नाम में ही आंसर है, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में आपके डायरेक्ट लग रही है। ये प्लास्टिक डायरेक्ट लग रहा है, लेबर असेंबली के लिए डायरेक्ट लग रहा है, ये जो ब्रांडिंग कर रहे हैं केसीओ की डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्ट लग रही प्रोडक्ट के ऊपर। इनडायरेक्टली क्या लग रहा है, जो मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है जो इसमें इनडायरेक्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सुपरविजन, इंस्पेक्शन, फ्यूलिंग, ये सब चीजें इनडायरेक्टली इस पे लगी हुई। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैक्ट्री, वो इसमें इनडायरेक्टली लगी हुई। मेरे को दिख तो नहीं रही, बिजली दिख रही है क्या आप लोग को? दिख रही है क्या इसके अंदर बिजली लगी है? बताओ बताओ, इसके अंदर फ्यूल लगा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगा है, क्या इसके अंदर इंस्पेक्शन लगा है, इसके अंदर वो लगा है, क्या बोलते हैं ये सुपरविजन लगा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट खर्चा है, इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। क्यों इनडायरेक्ट खर्चा है? क्योंकि ऐसा खर्चा जो हम लोगों को प्रोडक्ट में डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट, इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और द एक्सपेंस विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एज सिंपल एज दैट, व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश। मैं तुम लोग को बता दूं, तुम लोग ऐसा सोचोगे कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं उसका हमको वो लिखना है क्या, नोट्स बनाना है क्या? तो मैं तुम लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग में ना रहे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पे एक सेकंड, यहाँ पर तो मीनिंग वगैरह है। ये देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर सारी चीजें कवर्ड है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब अपने पास थ्योरी के अंदर बुक में ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है और ये थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगी, तुमको लगता है इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट लेवल पे तुमसे पूछेगा बताओ व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, बताओ व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट लेबर? ना, नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमको इसकी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। तो एज सिंपल एज दैट, ये देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तीन टाइप का। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट्स को मिला दो तो क्या बन जाते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज सिंपल एज दैट। तीनों डायरेक्ट को मिला दो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग जानना है, ये लो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल का जानना है, ये लो अंग्रेजी भाषा में। देखना है क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल वे। ओके भैया, ये तो एकदम टेक्निकल टर्म में लिखा है, इकोनॉमिकली फीजिबल वे का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली फीजिबल वे का मतलब, इस तीन वर्ड का मतलब ये होता है कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल कॉस्ट इन दिस कैलकुलेटर, इजिली, बहुत ईजी है। ये प्लास्टिक का रेट आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं कि कितना प्लास्टिक इस पे लगा है, तो सिंपली इकोनॉमिकली फिजिबल वे में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। बट इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या होगा, और दोज मटेरियल विच डू नॉट नॉर्मली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा फिनिश प्रोडक्ट में उसका पार्ट। ठीक है, इट हैज बीन डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अ पोर्शन टू और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ऐसा खर्चा, ये टेक्निकल भाषा में लिखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ सेम लाइन, ऐसा खर्चा जो मुझे नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर में, कहाँ है बिजली, नहीं दिख रही, फ्यूल कहाँ है, नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा खर्चा जो मुझे दिख नहीं रहा है बट इस कैलकुलेटर में लगा है, पक्का पक्का लगा है इस कैलकुलेटर में, बट आई एम नॉट एबल टू लुक, कहाँ है, नहीं दिख रहा मैं। बट डायरेक्ट मटेरियल क्या मैं कर पा रहा हूँ आइडेंटिफाई? हाँ, तो यही होता है। तो अगर आपको इंग्लिश जानना है तो मैं ये चीज तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए क्लियर कर दूं कि नोट्स के अंदर चीजें हैं। ठीक है भैया, वाई क्यू आर क्या है मटेरियल पे? बेटा क्यू आर का मतलब है कि जब आप सिलेबस खत्म होने के बाद अगर आप थ्योरी रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है, या फिर कोई सेगमेंट रिवाइज कर रहे होगे, तो आपके मटेरियल के अंदर आपको एक क्यू आर कोड देखने को मिलेगा। वो क्यू आर कोड को जब आप स्कैन करोगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, क्या तुम्हें मैं याद हूं, क्या तुम्हें मैं याद हूं, तो तुम बोलोगे
अरे नहीं मैं तो भूल गया ये वाला कॉन्सेप्ट, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, मैं भूल गया क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, एकदम क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग में, पढ़ने से याद नहीं आ रहा है। तो क्या करें, तो इसको आप इसका अगर स्कैन कर लोगे, इसको अगर आप स्कैन कर लोगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे उस वीडियो के अंदर जिस वीडियो में ये टॉपिक कवर्ड है, उस वीडियो के अंदर जिस वीडियो में टॉपिक कवर्ड है, तो वहां से आपका फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके यस। तो ये इस वजह से क्यूआर कोड है, बाकी तो अभी तो हमारा रेगुलर कोर्स चल रहा है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है अभी डिस्कस करने की। ठीक है चलो, अब एक बार हम लोग आते हैं पेज नंबर अपना 46 के अंदर, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 36 पे है ये। ठीक है, पेज नंबर 36 इन योर बुक यू विल फाइंड दिस प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंटिंग, थोड़ा बहुत आगे पीछे पेज हो सकता है तो चेक कर लेना, 1.5 में देखने को मिलेगा आपको कॉस्ट शीट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट शीट बनाने के पिछले क्लास में मैंने आपको शायद बताया था, शायद क्या कन्फर्म बताया था कि पिछले क्लास में जो कॉस्ट शीट होता है उसको बनाने के दो मेथड है। एक इंडस्ट्री लेवल पे ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट एक्सेप्टेबल था, बट कुछ समय पहले सीए इंस्टीट्यूट ने न्यू मेथड ऑफ कॉस्ट शीट प्रपोज किया जो कि ज्यादा बेटर अडॉप्टेबिलिटी लगी, कि हाँ ओल्ड कॉस्ट शीट से बेटर प्रेजेंटेशन है इसकी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल के इन्वायरमेंट में जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों के लिए कॉस्ट शीट में जगह नहीं थी। पता है क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखो क्या होता है, कोई भी चीज हम नहीं लाते हैं उसका दो रीजन होता है। पहला ये कि हमको इलेक्शन में जीतना है तो एजेंडा चाहिए, तो कुछ चलो कुछ नया लाते हैं, चलो ट्राई समथिंग न्यू, चल गया तो बिंगो वरना टिंगो। ठीक है, तो हमको इलेक्शन में जीतना है तो एजेंडा चाहिए, तो उसके लिए कुछ नई चीज लाते हैं। सेकेंड चीज हम इसलिए नया लाते हैं जो कि हमारे इंडिया में एटलीस्ट रेयर होता है, बहुत कम है ना, पॉलिटिकल लेवल पे रेयर होता है, कोई ऐसी चीज लेके आते हैं जो कि एक्चुअल में नीड है, जरूरत है, इम्प्रोवाइजेशन होगी उससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉ की इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, प्राइवेसी, इंटरनेट प्राइवेसी जो है उसकी इंडिया में बहुत ज्यादा सख्त सख्त कानून लाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतने ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं भाई, लोग कॉल करके ओटीपी मांगते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा गायब, व्हाट्सएप कॉल करते हैं पूरा बैंक अकाउंट खाली, ठीक है व्हाट्सएप कॉल आ रहा है पूरा फोन हैंग, चैट हमारे लीक हो जा रहे हैं। ठीक है, वो व्हाट्सएप में जो बैकअप करते हैं वो चैट्स हमारे लीक हो जाते हैं, तो आजकल तो ऐसे व्हाट्सएप ने फीचर लिया है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कर सकते हो आप लोग अपने बैकअप वाले चैट्स को भी, तो वाला ऑप्शन आप डेफिनेटली ऑन कर लेंगे, नहीं तो आपके प्राइवेट चैट्स किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, और एक एक दो दो रुपए के भाव में बिक भी सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसी चीज़ है, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉ लाने की जरूरत है, और कब से 2016 से बातें चल रही हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में है लॉ, तो भाई कितना टाइम लग रहा है तुमको, इनकम टैक्स एक्ट बनाने में तो टाइम नहीं लगता, जीएसटी एक्ट बनाने में तो टाइम नहीं लगता, फटाफट चट मंगनी पट ब्याह, क्यों? क्योंकि उससे तो रेवेन्यू आना है, बट यहाँ प्राइवेसी का क्या? तो ऐसी चीज है, तो दो तरीके से चीजें आती है, तो अब नीड होती है हमको, तो अब हमको ऐसा लगा कि कॉस्ट शीट इंप्रूव्ड वर्जन लाया जा सकता है, तो इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया, सी इंस्टीट्यूट ने ओके एक्सेप्ट हो गया, अपने लेवल पे एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि देखो कॉस्ट, देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोल दिया था, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, तो सब क्या भैया मेरा मन कर रहा है, मैं अपने अपने जैसे कॉस्ट शीट, मेरा मन मैं जैसे कॉस्ट शीट बनाऊं, बना ले भैया, कोई कुछ मेरे को बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि कॉस्ट शीट आपको यूज करना है। क्या आपको कॉस्ट शीट डेटर को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हमको जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उसको डेटर को देना पड़ता है, क्रेडिटर को देना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, अदर एजेंसीज को देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ता है, प्रमोटर्स को देना पड़ता है, तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स बनाने का फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब्ड है, कि सोल प्रोप्राइटर बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, पार्टनरशिप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है अपना कंपनीज जो है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्रिस्क्राइब्ड है। क्यों प्रिस्क्राइब्ड है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए हमको, ताकि चाहे वो बंदा इंडिया का हो, चाहे फॉरेन का हो, चाहे दुनिया का हो, कहीं का हो, वो समझ जाए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर दो। ठीक है, कंपेरेबल कंपैरिजन भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीज हमको पब्लिकली लोगों को देनी है, और वो नहीं पढ़ रहे हैं भाई, वो सीएमए नहीं कर रहे हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जो कॉस्ट शीट है वो हम लोग मैनेजमेंट यूज करेगी, हमको किसी को देना है क्या कॉस्ट शीट? नहीं। कोई मांगेगा तो हम कंपलसरी लायबल है क्या कि हम उनको कॉस्ट शीट दे? नहीं। कहां लिखा है कि कॉस्ट शीट हमको सर्व करना पड़ेगा? किसी को नहीं सर्व करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट हम अपने लिए बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हैं, कि हमारा कितना खर्चा होगा, कहां खर्चा होगा, कैसे खर्चा होगा, कैसे कम कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए बना रहे हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, अगर हर कंपनी अपने अपने तरीके से कॉस्ट शीट बनाए तो भी चल जाता है, बट ऐसा नहीं है, लोग अपने लेवल पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसी को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, एक थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंजेस कुछ कुछ कर लेते हैं अपने हिसाब से, बाकी तो चलता है।
तो इंडस्ट्री लेवल पे कॉस्ट जनरली एक्सेप्टेड है बट नॉट कंपल्सरी टू बी फॉलो। तो अभी न्यू सिलेबस के अंदर पे जो कॉस्ट शीट आई आपकी, दैट इज योर ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो सेम ओल्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, तीन ग्रुप में बांटा गया है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल ग्रुपिंग की गई है। देखो पहले, सबसे पहले आया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको पिछली क्लास में बताया था, एक आपका आता है डायरेक्ट मटेरियल, एक आपका आता है डायरेक्ट लेबर, एक आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं, बिल्कुल हाँ। उसमें भी क्या मुझे रॉ मटेरियल परचेस्ड लेना है या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है? तो तुम लोग ने बताया था भैया डेफिनेटली जितना यूज हुआ है वो लेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेंगे, वेरी गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ परचेज वर्चेज कर लिए तो, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो माइनस, ये देखो लेस, और ऐड कर देंगे जो रॉ मटेरियल के अंदर डायरेक्ट खर्चा हुआ है, इंश्योरेंस, कैरियज इनवर्ड, ये सब का खर्चा ऐड कर देंगे, डन। प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के अंदर होने वाले ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, तो ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो आ जाएगा मेरा वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट एज द केस में भी। फिर उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी को प्लस और माइनस करेंगे, क्यों करेंगे? याद आ रहा है पिछले महीने जो काम आधा खत्म हुआ था वो इस महीने पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। पिछले महीने जो काम आधा खत्म हुआ था इस महीने पूरा खत्म हो जाएगा, तो पिछले महीने उस पर कुछ कॉस्ट लग गई होगी और बची कुछ कॉस्ट इस महीने लगी। तो एक काम करो, पिछले महीने का जो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी था वो इस महीने ऐड कर दो, क्योंकि वो इस महीने कंप्लीट हो जाएगा और फिर जाएगा बिकने के लिए। और वैसे ही इस महीने का जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी होगा वो तो बिकने से रहा, आधा पौना कैलकुलेटर कौन खरीदेगा बताओ? बिना बॉडी का कैलकुलेटर खरीदोगे? नहीं। बिना डिस्प्ले का कैलकुलेटर खरीदोगे? नहीं। तो वो उसको यहां से हटा दो, क्यों? क्योंकि ये वाली कॉस्ट जो है वो इस महीने हुई तो है बट हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में बिकने वाला है, नेक्स्ट मंथ में जब अपना कंप्लीट हो जाएगा आराम से तब बिकेगा, तो इसको भेजो नेक्स्ट मंथ, तो यहां से हटा दो लेस। और पिछले महीने का जो आधा पौना बना था उसको इस महीने कर दो एड। एक सेकेंड, आई एम गेटिंग ब्लर्ड। ओके, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, देन वी गॉट एडजस्टेड वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट। मैं तुम लोगों को इस पे पॉइंट बताने वाला था पिछले क्लास में, मैंने तुमको बोला था, वो इस क्लास में बताऊंगा कि इस चीज को कैसे डील करते हैं। फिर आप इसमें एडमिन के ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे, तब आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में बताया था जितना फिनिश गुड्स बन के निकला है वो पूरा फिनिश गुड्स तो बिक नहीं जाएगा, पिछले महीने का भी कुछ बचा होगा जो इस महीने आया होगा एफ जी, और इस महीने का एफजी जो होगा वो कुछ हो सकता है अगले महीने भी जाए, पूरा ना बिके, हो सकता है। तो पिछले महीने का जो एफजी इस महीने बिकेगा उसको ऐड कर दो, और इस महीने का एफजी जो इस महीने नहीं बिक पाएगा अगले महीने ट्रांसफर होगा उसको लेस कर दो। तो ओपनिंग एफजी प्लस, क्लोजिंग एफजी माइनस, तब आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इस महीने बिकेगा, जो इस महीने बिकेगा, ठीक है। देन व्हाट वी गॉट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा हमारा? हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करना है, स्क्रीन यहां पर किए नहीं क्या ऐड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के, अच्छा यहाँ पर किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तब हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फाइनली उसमें अपन प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करेंगे तब हमको मिल जाएगा सेल्स। दिस इज योर ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार फटाफट से सारे बच्चे जहां पर कॉस्ट शीट चैप्टर अपना स्टार्ट किए कॉपी में, वहां पर भले आपके बुक में और भले जो मैं यहां पर आपको ये प्रोवाइड किया हूं उसमें, दोनों में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, बट स्टिल एक बार प्रैक्टिस पर्पज के लिए हम लोग सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं, मैं भी आपके साथ में बनाऊंगा, ठीक है। आपके ऊपर बस प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर मेरे ऊपर भी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं, ओके। कॉस्ट शीट, फॉर द पीरियड डैश, जो भी पीरियड के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ मई, फॉर द मंथ जून, जो भी मंथ हो, ठीक है। फॉर्मेट हमारा कैसा दिखेगा? पर यूनिट तब बनाना होगा जब हमको क्वेश्चन डिमांड करेगा स्पेसिफिकली, बाकी हम लोग सिंपल यहां पर टोटल कॉस्ट लेते हैं और यहां पर यूनिट बेसिस पे चीजों को लेते हैं, ओके भैया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर नंबरिंग डायरेक्टली करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर लाइन बना के करते हैं, ठीक है। लाइन बना के कर लोगे तो ये बेटर हो जाएगा कि अपने पास नंबर लिखने के लिए सेपरेट जगह रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखते हैं क्या, हमारा डायरेक्ट मटेरियल
कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसको भैया डिटेल में लिखना है? नहीं 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 मैं बस बोल रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखो। अब हमारे दिमाग में है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड में हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। अच्छा लेबर का कुछ और नाम भी था क्या? हाँ प्रोडक्टिव वेजेस, कुछ और नाम था क्या? प्रोडक्टिव वेजेस। तीसरा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई और नाम था क्या? हाँ चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अच्छा इन सबको ऐड करके क्या मिलता है हमको? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट वी विल गेट 1 + 2 + 3 वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। ओके एवरीवन क्लियर हो रहा है? बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में, बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ। यस बिल्कुल हो रहा है। बस आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन चालू होने के बाद तो तुम्हारी जिंदगी में मजे ही मजे हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट, ओके प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद, प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद अब हमको क्या करना है? अब सोचो डायरेक्ट वाले सारे खर्चे हो गए, अब इनडायरेक्ट खर्चा किस सीक्वेंस में होता है? पहले होता है फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा, फिर होता है ऑफिस में इनडायरेक्ट खर्चा, फिर होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट खर्चा। सीक्वेंस में बेटा कॉस्ट शीट, वेरी बेसिक। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा फैक्ट्री को कुछ और भी बोलते हैं क्या? हाँ भैया वर्क्स ओवरहेड्स। तो दोनों चीजें यूज कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद हमको मिलेगा फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी। मेरे को ये तुम लोग को बताना था। ओके क्या बताना था? कि जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी फैक्ट्री की कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है कॉस्ट शीट में, हाँ मिल जाएगी फैक्ट्री की कॉस्ट। बट अभी उसमें डब्ल्यूआईपी और एफजी एडजस्ट नहीं हुआ है, अभी होगा, एडजस्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आपको इसको ऐसे लिखना है फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट ऑन फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी लिखना है, ठीक है। फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में अभी तक का जो खर्चा हुआ है फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी में वो सिक्स्थ पॉइंट में दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये कि अभी तक फैक्ट्री के अंदर जो हमारा फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी में खर्चा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी विजिबल इन पॉइंट नंबर 6। ओके यस कैन वी से प्रोडक्शन ओवरहेड? डेफिनेटली वी कैन से प्रोडक्शन ओवरहेड ध्रुव, ठीक है। ओके नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 7, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 में हम आएंगे। तो अब यहां पर हमको क्या करना है? ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को करना है एडजस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करेंगे। अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को यहां क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद भी कर सकते थे एडजस्ट, यहां पर क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि सोच के देखो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी बना ही नहीं है, तो बना नहीं है तो एडमिन वाले खर्चे भी इसके ऊपर हुए नहीं होंगे, ठीक है। अभी से फैक्ट्री वाले खर्चे उसके ऊपर हुए होंगे। फिनिश गुड्स के ऊपर खर्चे होते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आएगा इंस्पेक्टर वगैरह, ये सब ऑफिस वाले काम आएंगे उनका, वो होगा सीलिंग लेबलिंग ये सब होगा। तो ऑफिस वाले काम कब होते हैं? जब अपना गुड्स बन के रेडी हो जाता है। एडमिन और सेलिंग एडमिन ओवरहेड जो होता है वो फिनिश गुड्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 9 में क्या हो जाएगा हमारा? फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट ऑन एफजी। क्यों? डब्ल्यूआईपी कहां गया? एडजस्ट हो गया ना, डब्ल्यूआईपी एडजस्ट हो गया। पॉइंट नंबर 6 प्लस 7 ओपनिंग को ऐड करते हैं, माइनस 8 क्लोजिंग को माइनस करते हैं। एवरीवन क्लियर हो रहा है? फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट ऑन फिनिश गुड्स, अब सिर्फ फिनिश गुड्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूआईपी एडजस्ट हो गया, डब्ल्यूआईपी एडजस्ट हो गया ना, तो अब सिर्फ फिनिश गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो ये हो गया 8, सॉरी तो 11th पॉइंट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? 9 + 10 फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट ऑन एफजी में ऑफिस और एडमिन के खर्चे ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मतलब इस पीरियड में जो प्रोडक्शन किया हूं उसकी कॉस्ट कितनी लगी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनो हाईलाइट करके रखो, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है, पता है कॉस्ट शीट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, टफ नहीं है, इजी है, बट बता रहा हूं एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरीवन क्लियर? यस। तो 12th नंबर पॉइंट। अच्छा तुम लोग बोलोगे भैया आप पूछते हो क्लियर और फिर खुद ही हाँ बोल देते हो, यस, मतलब वो आदत है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है कि एवरीवन क्लियर, यस। बाकी तुम लोग को कोई डाउट रहेगा तुम लोग पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि अरे भैया यस बोल दिया आप कैसे पूछे, शर्मा जाएंगे, ऐसा शर्माने का नहीं, बेसिक से बेसिक डाउट भी आएगा यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। लाइव क्लास की फैसिलिटी आप ले रहे हो इसी वजह से, रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो भी देख रहे होंगे अभी फिलहाल, ठीक है, नहीं पता कब किस पीरियड में देख रहे होंगे रिकॉर्डेड वाले बच्चे, तो उन लोग सोच रहे होंगे कब लाइव हुआ क्या हुआ ऐसा, तो लाइव क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, ठीक है, कुछ नालायक बच्चे हैं मेरे साथ लाइव क्लास में, वो बच्चे हैं, ठीक है। क्लास में फन एक्टिविटीज भी होती है बहुत सारी, समय के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएगी, अगर आप फाउंडेशन में पढ़े हो तब तो पता ही होगा फन तो डबल होता है ना, नालायक, यस, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को अगर हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब मेरे पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ चुकी है, अब इसमें हम एडजस्ट करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। व्हाट इज FG? फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अब आएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब क्या आएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मतलब बिक गई, मतलब बिकने वाली है या बिक गई या जो भी है, कॉस्ट शीट। भैया क्या कॉस्ट शीट हम लोग पहले ही बनाते हैं, 1 तारीख को बनाएंगे कॉस्ट शीट, 31st को नहीं बना सकते? बना सकते हो ना, इस महीने की कॉस्ट निकालने के लिए भी बना सकते हो कॉस्ट शीट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा एस्टिमेटेड बनाएंगे, एक्चुअल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो भी बिक बिक गया या बिकने वाला है एक्सपेक्टेड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, जितना मैं बनाया प्लस जितना मेरे पास पहले से पड़ा था, ठीक है, जितना मैंने बनाया प्लस जितना मेरे पास पहले से पड़ा था, ये हुआ मेरा टोटल स्टॉक अवेलेबल राइट नाउ, ये हुआ मेरा टोटल स्टॉक अवेलेबल राइट नाउ, इसमें माइनस कर देंगे जो बच गया। अच्छा तो टोटल स्टॉक में से जितना बच गया उतना माइनस कर देंगे, तो बाकी कहाँ गया? अरे बिक गया, बाकी स्टॉक कहाँ है? बिक गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, 11 + 12 - 13, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। फिर 15th पॉइंट में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमारा बिका, ठीक है, उसकी कॉस्ट टोटल 14 + 15 करने से, देन फाइनली वी ऐड सम प्रॉफिट हियर, देन वी विल गेट सेल्स 16 + 17, ठीक है, ओके। तो ये दिस इज गोइंग टू बी योर फुल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ध्रुव बोल रहा है मैं इमोजी नहीं भेज पा रहा हूं, अगर लैपटॉप में हो तो इमोजी भेजने के लिए कुछ शॉर्टकट आता है ना, वो तुम लोगों को गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि लैपटॉप में कैसे क्या बोलते हैं वो करते हैं, इमोजी कैसे वो करते हैं लैपटॉप में। ये लो मैंने जूम कर दिया, आराम से नोट कर लो, कोई इश्यू की बात नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, अभी से ऐसी फीलिंग आ रही है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अब याद हो चुका है हमको? मेरे को फटाफट से बताओ, अभी से क्या हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद हो गया? इफ यस देन इट्स गुड, इफ नो देन आल्सो इट इज गुड। क्यों? क्योंकि याद तो होना ही है भाई, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यूं ही खून में दौड़ने लग जाएगा, ठीक है, यूं ही खून में दौड़ने लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्या 1% भी नहीं याद हुआ है तो भी चल जाएगा, ठीक है अकुल, 1% भी अगर नहीं वो है याद है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको याद तो हो ही जाना है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मेरे को बताना हो जाएगा। तो डन हो गया, सबका हो जाए तो बताना। यस 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 यस, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या, तो मुझे बताओ। इफ यू आर रेडी देन वी कैन डू सम इजी स्टफ, इनिशियली वी विल डू सम इजी स्टफ्स, इफ यू आर रेडी देन वी कैन डू।
ठीक है, यस ओके। चलो ऐसा प्रिंट आउट तुम लोग भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये जो मटेरियल तुम लोगों को मिलेगा उसका बहुत हैंडी हो जाता है, बार बार क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं करना होता, बट अभी इनिशियल लेवल पे है तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास अभी नहीं है क्वेश्चन अवेलेबल, तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो कॉस्ट फ्रीडम को बनाना है, मैं यहाँ फॉर्मेट बना रहा हूँ, जब तक कि तुम लोग भी बना सकते हो फॉर्मेट्स, फॉर्मेट तो एकदम खून में दौड़ाने लग जाओ खून में। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस्टर गोपाल फर्निश द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। श्रेयांशी तुमको आज ही मिल जाएगी बेटा ग्रुप में, ओके ठीक है। तो हमको अप्रैल महीने का कुछ डेटा फर्निश हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे के रखा है, वेरी वेरी गुड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे के रखा है, तो क्या हमें कुछ करना पड़ेगा क्या, फटाफट से बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे के रखा है तो कुछ करना पड़ेगा क्या, कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उठाओ कॉस्ट शीट में डालो, उठाओ कॉस्ट शीट में डालो, बहुत बढ़िया ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर चार्जेस, ओके डायरेक्टली देके रखा है, मशीन आर वर्कड, ये क्यों देके रखा है, मशीन आर वर्कड का मतलब क्या होता है कि मशीन कितने देर चली, मतलब मशीन कितने देर फैक्ट्री में चल रही थी, धुक 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 धुक, मशीन कितने देर फैक्ट्री में चल रही थी, ओके ठीक है। अब उसके बाद कुछ और देखे रखा है, मशीन आर रेट देखे रखा है, अच्छा मशीन आर रेट ये क्या होता है, ये होता है बेटा मशीन का एक घंटे का रेंट, मतलब मशीन को एक घंटे चलाने के लिए तुमको कितना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मशीन आर रेट, ठीक है, कि एक घंटे मशीन को यूज कर रहे हो तो उसके पीछे टोटल कितना खर्चा हो रहा है, चाहे वो बिजली हो, फ्यूल हो, लेबर हो, सब मिला के बात कर रहा हूं मैं। ये कैसे निकलता है भैया, टेंशन मत लो, ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर एक पूरा टॉपिक है मशीन आर रेट का, तुमको पूरा सिखाया जाएगा वहां मशीन आर रेट कैसे निकालते, पूरा सिखाया जाएगा डिटेल्ड में कि मशीन आर रेट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं, अभी के लिए जान लो कि मशीन को एक घंटे रन करने के चार्जेस को बोलते हैं मशीन आर रेट, ठीक है। तो एक चीज तुम लोग को क्लिक कर गई होगी, मेरे को फटाफट से बताओ क्या पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आपस में लिंक करके कोई खर्चा बताना चाह रहा है, फटाफट से बताओ मेरे को, क्या पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आपस में लिंक करके कोई खर्चा बताना चाह रहा है, हाँ क्या खर्चा बताना चाह रहे, बताओ क्या खर्चा बताना चाह रहे, फटाफट से बताओ क्या खर्चा बताना चाह रहे, हाँ ध्रुव बस आज ही, क्या आप फील कर पा रहे हो कि मेरी मशीन 900 घंटे चली और एक घंटे के चार्जेस ₹5 हैं, तो इट इज समथिंग 900 × 5 ₹4,500 मेरा मशीन का एक्सपेंसेस हो गया टोटल, 900 × 5 ₹4,500 4,500 इज माई टोटल मशीन एक्सपेंसेस, कैन बी फील इट, यस। अब मेरे को एक बार तुम लोग अपने तरफ से बताओ कि गलत आंसर एक्सेप्टेबल है, कोई भी बच्चा ये मत सोचना अरे गलत आंसर देंगे तो बेज्जती हो जाएगी, नहीं होगी ठीक है, गलत आंसर दोगे नाम नहीं ले रहा, ओके सुनना मेरे को बताओ मशीन एक्सपेंसेस कहां जाने चाहिए, सोच समझ के बताना आराम से, मशीन एक्सपेंसेस कहां जाने चाहिए कॉस्ट शीट में, सोचो और बताओ मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा कहां पर जाना चाहिए कॉस्ट शीट में, टेल मी गाइस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री, मुस्कान, पिंकी, ध्रुव, अनिकेत, अकुल, प्रतीक्षा, अंशु, ओके यस, एवरीवन इज सेइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, एवरीवन इज सेइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, 100% करेक्ट आंसर है आपका, मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा हमारा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता, तो मशीन के अंदर होने वाला खर्चा कहां जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, लेट्स रीड फर्दर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% है वर्क्स कॉस्ट का, अच्छा तो इसका मतलब हमारा जो भी वर्क्स कॉस्ट आएगा, जो भी मेरा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आएगा उसका मैं 20% ले लूंगा एज अ एडमिन ओवरहेड, क्यों भैया एडमिन ओवरहेड का एक्चुअल डेटा क्यों नहीं देके रखा है, मुझे बताओ एडमिन ओवरहेड का एक्चुअल डेटा क्यों नहीं देके रखा है, अब सोच के देखना, सोच के
जनरली क्या होता है, जनरली जनरली 99% केसेस में क्या होता है, हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ताकि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए फॉर द मंथ, फॉर द अपकमिंग मंथ। तो उस टाइम पे मेरे कोई भी एडमिन जैसे खर्चे जो होते हैं, जो कि स्पेशली पर यूनिट बेसिस पे नहीं होते हैं। अब पर यूनिट बेसिस वाले तो मैं रॉ मटेरियल वाले को कॉल करूंगा, पूछूंगा हाँ भाई अप्रैल में इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, बता कितना कॉस्ट लगेगा एक यूनिट का। मैं लेबर को बोलूंगा हाँ बताओ इस महीने इतना प्रोडक्शन करना है, कितना लोगे पर यूनिट का। मशीन जिससे मैं हायर करके लाया हूँ मैं पूछ लूंगा बता एक घंटे का कितना चार्जेस लेगा इस महीने का, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। बट ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड होते हैं उनको जनरली पता करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, तुम लोग बोलोगे भैया सैलरी वैलरी तो हम लोग कर सकते हैं ना पता। नहीं बेटा सोच के देखो, सोचो क्यों क्यों मुश्किल होता है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में ये चीज बता दूं, आगे चल के कॉस्टिंग में तुम लोगों को इस पर कभी भी डाउट नहीं आएगा। मैं जो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूं, सुपरवाइजर को सैलरी लेट से 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 इज द सुपरवाइजर की सैलरी। मेरे साथ प्लीज आप सब लोग एक्टिव रहेंगे एकदम, जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। और मान लो ये सुपरवाइजर मेरी चार फैक्ट्रियों में, चार फैक्ट्री मतलब चार अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, चार डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी, चार जगह सुपरविजन का काम कर रहा है, लेबर्स को बता रहा है कि कैसे क्या काम होता है। मेरे जो प्रोडक्शन होते हैं हर महीने वो अलग अलग होते हैं। डिपार्टमेंट ए में कभी 1,000 यूनिट हो गया, कभी 500 यूनिट हो गया, कभी 800 यूनिट हो गया। डिपार्टमेंट बी में कभी 200 यूनिट हो गया, कभी 300 यूनिट हो गया, कभी 150 यूनिट हो गया। सी में कभी 500 यूनिट हो गया, कभी 600 यूनिट हो गया, कभी 450 यूनिट हो गया। डी में कभी 700 यूनिट हो गया, कभी 720 यूनिट हो गया, कभी 650 यूनिट हो गया। तो यूनिट्स वेरी करते हैं और इट इज वेरी कॉमन इन द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी कैन फ्लक्चुएट अवर यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बट अब मेरे को एक बात बताओ, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहां ज्यादा सुपरविजन लगेगा 100%, जिस डिपार्टमेंट में कम प्रोडक्शन हो रहा है वहां कंपैरेटिवली कम सुपरविजन लगेगा, एटलीस्ट उस महीने में जिस महीने में कम प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इंस्पेक्शन का भी ऐसी सोच के देख लो, मान लो इंस्पेक्शन की भी कॉस्ट लगती है, तो जहां पर इंस्पेक्शन वाले को देता हूं लेट से 20,000, तो जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है इंस्पेक्शन का खर्चा उधर ज्यादा लगेगा, जहां पर कम प्रोडक्शन हो रही है वहां इंस्पेक्शन वाला कम रहेगा। ये तो सब लोग एग्री करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, तो मैं इतनी ज्यादा जब प्रोडक्शन वेरी करती है हर महीने, एक्चुअल में भी करती है, एक्चुअल में करती है, डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है ना सप्लाई, तो एक्चुअल में वेरी करती इतनी प्रोडक्शन, तो अब मैं हर महीने ये तो नहीं, अब तुम लोग बोलोगे एडमिन और सैलरी फिक्स तो है 50,000 per month, 20,000 per month, टोटल 70,000 हो गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सोच के देखो, मैं बना रहा हूं कॉस्ट शीट फॉर डिपार्टमेंट ए, मैं बना रहा हूं कॉस्ट शीट फॉर डिपार्टमेंट बी, मैं बना रहा हूँ कॉस्ट शीट फॉर डिपार्टमेंट सी, मैं बना रहा हूँ कॉस्ट शीट फॉर डिपार्टमेंट डी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंपनी लेवल पे तो फिक्स्ड खर्चा इज फिक्स्ड, 70,000 रुपए कंपनी लेवल पे फिक्स्ड खर्चा इज फिक्स्ड, नो इशू, फिक्स खर्चा इज फिक्स्ड इन कंपनी लेवल। बट डिपार्टमेंट लेवल पे मेरे को फटाफट से बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग, उन लोग कुछ डिपार्टमेंट में कभी कुछ दिन ज्यादा थे, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ दिन कम थे कि नहीं? हाँ, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे तो कॉस्ट वेरी की ना, कंपनी लेवल पे तो कॉस्ट फिक्स थी 70,000 per month फिक्स्ड, बट डिपार्टमेंटल लेवल पे डिपार्टमेंट ए में कुछ और। अब बेसिकली कॉस्टिंग की भाषा में इसको डिपार्टमेंट नहीं बोलते हैं, कॉस्टिंग की भाषा में इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर्स या जॉब, या बोलते हैं जॉब, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी, कॉस्टिंग की भाषा में ये बोलते हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, तो कैसे करें इसका, प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, एक प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई है? कि हम लोग ना फिक्स खर्चे, हमको पता है 70,000 per month है फिक्स खर्चा, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग डिपार्टमेंटल लेवल पे उसका पोर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या करें? तो एक बेसिस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक बेसिस। क्या बेसिस होता है वो? या तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा, बेसिस कैन बी एनीथिंग। बेसिस मतलब परसेंटेज ऑफ दिस, बेसिस का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग का परसेंटेज इज योर कॉस्ट, ठीक है? तो वो बेसिस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको कई बार मुंह फाड़ के बोल देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अपोर्शन करो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर अपोर्शन करो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपोर्शन करो, क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कई बार, ठीक है? कई बार बोल देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द फलाना अपोर्शन करो, ठीक है? अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तब क्या करें ये बताओ, तब आपको लेना है बेस्ट पॉसिबल बेसिस, सबसे सुटेबल बेसिस लेना। वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा आगे चल के, इसके ऊपर पूरा टॉपिक आएगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 में हमको चीज दिख गई,
तो इसलिए मैं तुम लोग को बता दिया, तुम्हारे मन में ये बचपने वाला डाउट हो जाता जो कि एकदम ऑब्वियस है, मुझे भी होता तुम्हारे लेवल पे रहता तो, कि भैया आपने बोला फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बेटा अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर, भले यहाँ लिखा नहीं है बट यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैं अभी एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉस्ट शीट बनता तो मैं तो ले लेता 70,000। और तुम लोग खुद सोच के देखो मोटा भाई, सोच के देखना मोटा भाई, पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक कॉस्ट शीट बनाते हैं क्या? मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। बताओ क्या मोटा भाई पूरे रिलायंस इंडस्ट्री की एक ही कॉस्ट शीट बनाते होंगे? एक कॉस्ट शीट में आओ निपटा दे पूरे रिलायंस इंडस्ट्री। चलो आओ सब ऐड कर देते हैं, जियो भी ऐड कर देते हैं यहीं, यहीं पर अपना पेट्रोलियम भी ऐड कर देते हैं, यहीं पर मेरा सब टेक्सटाइल भी ऐड कर देते हैं, यहीं पर स्पाइसेस भी ऐड सब है। नहीं, हर जॉब क्या, हर डिपार्टमेंट क्या, हर लेवल पे अलग कॉस्ट शीट बनती होगी, ठीक है? बट जो फिक्स खर्चे हैं वो तो टोटल होते हैं। फिक्स खर्चे कैसे होते हैं? वो तो टोटल होते हैं, तो टोटालिटी के बेसिस पर अपन बात करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए एक बेसिस ले लेते हैं। हमको क्वेश्चन ने यहाँ पर प्यार से बता दिया वर्क्स कॉस्ट का ले लो, हमको यहाँ पर क्वेश्चन ने प्यार से बता दिया वर्क्स कॉस्ट का ले लो। मैं आने वाले समय में जब वो क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि किसका परसेंटेज लूं, किसका परसेंटेज लूं, नहीं दिया रहता है, तब क्या करते हैं वो हम आगे बताएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे, ठीक है? सेलिंग ओवरहेड बेटा 0.5 पर यूनिट है। तुम लोग याद है हम लोग जब कॉस्ट डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला भी था कि सेलिंग ओवरहेड जनरली आपको पर यूनिट बेसिस पे दे देगा, बट उससे फील मत लेने लग जाना। क्या फील? कि अरे ये तो पर यूनिट बेसिस पे दे दिया, ओह माय गॉड ये तो डायरेक्ट खर्चा हो गया। नहीं, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल से देखो मेरे को बताओ क्या इसमें सेलिंग खर्चा दिख रहा है आपको? प्लीज कैलकुलेटर को देख के बताओ क्या इसके अंदर एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा दिख रहा है क्या आपको आंखों से? नहीं, ठीक है? तो कैलकुलेटर भी लाइक होटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, ठीक है? खुल जाए मुंह की बात तो दुहाई है दुहाई। तो सेलिंग खर्चा हुआ है मेरे ऊपर बट दिख नहीं रहा है अपने को, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया 0.5 पर यूनिट सेलिंग खर्चा इज ऑलवेज इनडायरेक्टली मेंशन, ठीक है? ये आज 0.5 है, कल 0.8 हो जाएगा, तो पर यूनिट लेवल पे चेंज होता रहता है, बट क्वेश्चन जनरली इसको पर यूनिट पे दे देता है। यूनिट्स प्रोड्यूस हमने किया 17,100, बट हमने सेल किया है 16,000 यूनिट 4 रुपए पर यूनिट में। हमने सेल किया है 16,000 यूनिट 4 रुपए पर यूनिट में, सेलिंग प्राइस देके रखा है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है मेरे को, 17,100 यूनिट बना रहा हूं और 16,000 बेच रहा हूं, बाकी क्या लॉस हो गया? बच्चों चैट बॉक्स में बताओ प्लीज, मेरे को डाउट आ रहा है यहां पर, प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो ना। बाकी यूनिट्स कहां गए? लॉस हो गए क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतने होशियार बच्चे कुछ सिखाने की आवश्यकता ही नहीं लग रही मुझे तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है सब सीख के आए हैं पहले से। क्लोजिंग स्टॉक, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। गौरव, अनुष्का, ध्रुव, पिंकी, अकुल, अंशु, तुषार, मुस्कान, एवरी वन, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक है बेटा कितना? 1100 यूनिट। पर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं मेरे को बताओ? अपन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े क्या? अच्छा ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे तुम पढ़े नहीं होगे, तो मैं तुम लोग को ऐसे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है हमारे पास, वो बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर। अच्छा, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तुम लोगों को उसका इंप्लीकेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1100 यूनिट का, तो 17,100 यूनिट बनाया, 16,000 बेच दिया, 1100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में गोडाउन में पड़े हुए हैं। क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पी रेट। यस, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड है, S2, ठीक है? तो एवरीवन क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अपनी कॉपी में आपको कैसे लिखना है? तुम लोगों को सेंटर में लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर 1 बाजू में लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, बेसिक फॉर्मेट प्लस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। ब्रैकेट में लिखना ना, लिख लो पहले प्यार से, बेसिक फॉर्मेट प्लस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, बेसिक फॉर्मेट प्लस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, बेसिक फॉर्मेट प्लस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन।
कितने क्वेश्चन है भैया? इट वॉज समथिंग अराउंड 20-25 क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड एंड इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन भी ले लें हम कुछ 4-5 क्वेश्चन, तो फिर अकॉर्डिंगली 30 अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशियंट। बट ऐसा है कि सारे क्वेश्चन क्लास में नहीं है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी है, तो तुम लोग उसको करके आओगे, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एंड विल क्लोज इट अकॉर्डिंगली। ओके यस, चलो तो सेंटर में लिख लोगे। अब हम लिख रहे हैं कॉस्ट शीट फॉर द मंथ अप्रैल 2013। ओके, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, टोटल कॉस्ट, एंड इफ वी कैन नोटिस, इफ वी कैन नोटिस द थिंग, ठीक है, इफ वी कैन नोटिस, कॉस्ट पर यूनिट अपने को निकालने का पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। मुस्कान बोल रही है भैया ऐसा लग रहा है डेटा ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा यार, बिल्कुल ही लगेगा, और वो दिन सोचो जब तुम्हारी 3-3 घंटे की क्लास होगी तब तो हमको और ज्यादा डेटा लगेगा। चलो तो साथ साथ में जो चीजें, हाँ कल से सेव करना, कल से सोशल मीडिया सारे अनइंस्टॉल कर दो, कल से डेटा सेव करके आना, कल से यही तुम्हारा सोशल मीडिया, यही एंटरटेनमेंट कराऊंगा मैं, ठीक है, एक दो रील्स भी बना लेंगे आप। ओके यस, चलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मैं उन चीजों को डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ जो कि तुम लोगों को याद होगी कि हाँ ये था। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 15,000, लेट्स राइट इट डाउन, 15,000 ऑन टोटल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी है, फटाफट से बताओ, 16,000 है कि 17,100 है, मुझे दिख नहीं रहा है, प्लीज मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, बताओ 17,100 यूनिट लू कि 16,000 यूनिट लू पर यूनिट बेसिस निकालने के लिए, पर यूनिट बेसिस निकालने के लिए 16,000 लू या 17,100? ओके 17,100 इज द मेजोरिटी आंसर, 17,100। ओके, अब 100% आंसर 17,100 है, तो बेटा यहां पर लिख देना यूनिट्स 17,100 कॉस्ट शीट के ऊपर में। 17,100 क्यों लिए हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको बता देता हूं, बेटा हमने प्रोडक्शन तो 17,100 यूनिट का किया ना, अरे कितना बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ रहा है कि ये 15,000 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ, 17,100 यूनिट के ऊपर हुआ, कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ, 17,100 यूनिट के प्रोडक्शन में 15,000 का मटेरियल यूज हुआ, ठीक है। तो यहां लिखा है ना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो ये हमने 15,000 का जो खर्चा है वो 17,100 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए किया है, तो पर यूनिट आया है 0.877। कुछ नहीं किया हूं, 15,000 डिवाइडेड बाय 17,100। सेकेंड है अपना डायरेक्ट लेबर 9,000 का, डायरेक्ट लेबर 9,000, तो इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 0.526, सॉरी, ठीक है। थर्ड में अब बताओ मेरे पास, फटाफट से बताओ क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्या क्वेश्चन में कुछ रॉयल्टी वॉयल्टी गुडविल वुडविल दिख रही है क्या आपने को, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, कोई ब्रांडिंग वेंडिंग वाला खर्चा नहीं दिख रहा है, मैं तुम लोग बता रहा हूँ, एक तो मोस्टली क्वेश्चन में नहीं ही होने वाला है, 90% क्वेश्चन में यू विल नॉट फाइंड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर 10% क्वेश्चन में मिल भी रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस नाम से दिया रहेगा, या तो चार्जेबल एक्सपेंसेस इस नाम से दिया रहेगा, और या तो रॉयल्टी बोल देगा, बस रॉयल्टी उसको इतना ही चाहता है, रॉयल्टी इज द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अभी यहां पर हमारे केस में थर्ड ही बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। कुछ बच्चे पूछेंगे क्या भैया हमें ऐसा करना होता है कि कॉस्ट शीट के जो जो आइटम्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं उनको हम लिख के ऐसे ब्लैंक छोड़ दें, नहीं, तुमको सिंपली उसको इग्नोर करना है, स्किप, तुमको वो स्टेप को स्किप कर देना है, कॉस्ट शीट दो लाइन की भी बन रही हो तो दो लाइन की बना दो, स्किप कर दो स्टेप को जो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट हमारा आ जाएगा 15,000 प्लस 9,000 24,000 पर यूनिट बेसिस पे डिवाइडेड बाय 17,100, तो ये आ जाएगा 1.404। अच्छा सुन ना, जब भी तुम लोग थर्ड पॉइंट तक लिखोगे तो आगे वाला डिजिट राउंड ऑफ कर देना, ठीक है, जैसे 1.4035 लिखा हुआ है तो 1.404 कर देना ताकि राउंडिंग ऑफ में कोई इशू ना आए। इसके बाद है बेटा तुम्हारा मशीन का खर्चा, याद है तुम लोग 900 घंटे मशीन चली ₹5 के हिसाब से, ये था मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 900 आर चली और ₹5 पर आर के रेट से 4500 इज गोइंग टू बी द चार्जेस 0.263 इज द चार्जेस, ओके, फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। Then we find factory cost.
28,500 1.667 एवरीवन यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक बताओ क्लियर है सबको? यस चलो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग करते थे भैया WIP। मैं एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आता था फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग एडजस्ट करते थे ओपनिंग क्लोजिंग WIP, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो उसके बाद कौन सा स्टेप आता था वो याद करो, इसको स्किप कर दो, WIP नहीं है क्वेश्चन में तो स्किप कर दो, ठीक है। इसके बाद आता था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या क्वेश्चन में दिया था? हाँ, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। बच्चों मेरे को वर्क्स कॉस्ट नहीं दिख रहा है बोर्ड में, प्लीज मेरे को दिखाओ, मेरा आंख काम नहीं कर रहा है, वर्क्स कॉस्ट को ढूंढ नहीं पा रहा है। मेरे को बताएगा कोई कौन से पॉइंट में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन से पॉइंट में वर्क्स कॉस्ट आपको दिख रहा है? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, प्लीज बताओ कौन से पॉइंट में आपको वर्क्स कॉस्ट दिख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। फिफ्थ पॉइंट में बच्चे बोल रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट 28,500 भैया वर्क्स कॉस्ट है आपका, वेरी गुड। फैक्ट्री कॉस्ट को ही बेटा हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, इसका 20% चाहिए। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स 20% निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट 28,500 का 20% इज गोइंग टू बी 5,700 व्हिच आई एम गोइंग टू डिवाइड विद 17,100, तो वी विल गेट 0.333 ओके एज अ पर यूनिट। तो व्हाट वी कैन फाइंड नाउ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिन के बाद में, एडमिन के बाद में हम लोग का आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज नथिंग बट 5,700 प्लस 28,500, सो व्हाट इट इज 34,200। ये कैसे आया मैं यहां लिख दे रहा हूं, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट दैट इज दिस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है, डिवाइड कर देता हूं इसको मैं 17,100 से, तो व्हाट वी कैन गेट, 2 रुपीज। 2 रुपीज इज माय आंसर। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको 17,100 से ही डिवाइड कर रहा हूं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG एडजस्ट करते थे। तो बच्चों बजाबाड़ी प्लीज टेल मी, क्या क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG है? लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो, क्या मेरे को फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपने को दिया है क्या? बताओ फटाफट से, तुषार, प्रतीक्षा, ध्रुव, मुस्कान, गौरव, पिंकी, अकुल, फटाफट से बताओ क्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG? इज इट गिवन? नो, इट्स नॉट गिवन भैया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। प्रेम कुमार, प्रिया, नहीं गिवन है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG तो है ही नहीं, ओके। तो 8th पॉइंट में लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG निल। एक सेकेंड भैया, ये गलत कर रहे हो आप। मैं बोला क्यों? अभी आप फिफ्थ पॉइंट में बोले कि अगर कोई आइटम नहीं दिया तो उसको स्किप कर देना, उसको नहीं लिखना है, निल करके भी नहीं लिखना है, तो आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG दे के रखा है, तो इनका इसका पार्टनर दे के रखा है। ओपनिंग स्टॉक इज द पार्टनर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोथ विल कम टूगेदर, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो गाइस, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। तो इस वजह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG मैंने स्पेसिफिकली दिखाया कि निल है, नहीं दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG तो है। अच्छा कहाँ है अभी बताया ना, 17,100 यूनिट बना, ये देखो 17,100 यूनिट बना, 16,000 बिक गया, तो बाकी को क्या एज्यूम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, बिका ही नहीं है, अगले महीने बेच लेंगे, क्या दिक्कत है। कितना यूनिट्स, 17,100 माइनस 16,000, 1100 यूनिट, ठीक है, ओके। तो 1100 यूनिट तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ चुकी है। बट क्लोजिंग स्टॉक की करनी पड़ेगी वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की क्या करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक की करनी पड़ेगी वैल्यूएशन। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं अपने कॉस्ट शीट के नीचे ही लिखना कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज
नॉट गिवन, ऐसे लिखो कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? बहुत सिंपल है, मेरे को बताओ, सुनना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो एग्जाम्पल, उसका आंसर आप लोग बताओगे। मैं प्रोडक्शन प्रोसेस चालू किया ये हाइलाइटर बनाने के लिए, ये हाइलाइटर का प्रोडक्शन प्रोसेस, ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का हाइलाइटर है बट तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन में वो जा रहा है। तो ये हाइलाइटर का मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, ओके, मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, लेट से 1000 रुपीज, मेरे को डायरेक्ट मटेरियल की भी कुछ कॉस्ट लग गई, सॉरी डायरेक्ट लेबर लग गया मेरे को लेट से 500 का, ब्रांडिंग वगैरह मैंने नहीं कराई तो मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया 1500 का, कुछ फैक्ट्री के ओवरहेड्स मेरे को लग गए 800 रुपये के, ठीक है, और कुछ ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे लग गए, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह को हायर किया कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ठीक है, तो लेट्स से इसका मेरे को लग गया 1200 रुपीज, तो दिस इज माई कॉस्ट, ठीक है। और इतना करने के बाद मैंने बना लिए यूनिट्स 50, 50 यूनिट का प्रोडक्शन मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, 50 यूनिट का प्रोडक्शन मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो मेरे को आप बताओगे एक यूनिट की मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ गई उस हिसाब से, अपने दिमाग से बताओ, गलत आंसर दोगे एक्सेप्टेबल है, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करोगे, ट्राई नहीं करोगे उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट गलत आंसर दोगे उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को बताओ अनुष्का, अंशु, ध्रुव, अनिकेत, पिंकी, गौरव, अकुल, प्रिया, एवरीवन, सबका सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर आ रहा है, एवरीवन 100% ऑफ द आंसर इज करेक्ट, बाकी कुछ बच्चे ट्राई ही नहीं कर रहे, क्या कहाँ गए बाकी बच्चे, कहाँ हैं प्रेम कुमार जी, कहाँ हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कहाँ है, हम प्रतीक्षा की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो सही आंसर दे। तो बेटा 70 आंसर आ गया, कैसे आया? ऐसे आया भैया कि आपने टोटल लगा लिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एडमिन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का टोटल लगा लिया है। सेम क्वेश्चन में सुनना, सेम क्वेश्चन में मैं अभी एक मेरे को आंसर आया अभी तक का 70 इज द आंसर। अब मैं सेम क्वेश्चन में अगर दे दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा, लेट से 500, अब आंसर क्या हो जाएगा बता दो, अब आंसर क्या हो जाएगा बता दो, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा स्टॉक का, स्टॉक का पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, 8 रुपए। यूनिट सोल्ड कितना है, यूनिट सोल्ड कुछ नहीं है, पूरा स्टॉक में पड़ा हुआ है ये, नो यूनिट सोल्ड, पूरा स्टॉक में पड़ा हुआ है, देयर इज नो यूनिट सोल्ड, अभी सिर्फ एडवर्टीजमेंट वगैरह किया हूँ, बेचने का प्रोसेस अभी चालू नहीं किया हूँ, अभी सिर्फ एड चला रहा हूँ, अभी सिर्फ एड चला रहा हूँ कि हाँ कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ हाइलाइटर टाइप का, एड्स चल रहे हैं, बाकी अभी बेचना चालू नहीं किया, ओके एवरीवन। तो अभी मेरे को आंसर दो टाइप के आ रहे हैं, तीन टाइप के आ रहे हैं, 60, 70 और 80, तीन आंसर आ रहे हैं मेरे को, सेकेंड केस में मेरे को तीन आंसर आ रहे हैं, 60, 70 एंड 80, आई एम गेटिंग 3 आंसर, आई एम लाइक 3 आंसर, ओके चलो। तो अब इसके ऊपर एक बार बात करते हैं, इसके ऊपर एक बार बात करते हैं, सुनो, हाँ भैया बोलो। सबसे पहली बात कि आपके यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक पड़े हुए हैं, सुनना मेरी बात को ना बहुत ध्यान, आपके जो यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं वो यूनिट्स के ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं हो सकता। एवरीवन चैट बॉक्स में हाँ बोल के अपनी सहमति दे इस बात पे, और नहीं है सहमति तो बोले एक्सप्लेन कर दो कि आपके जो यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक पे पड़े हुए हैं उस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे भाई बेचने निकले नहीं, बिके ही नहीं, तो काहे का सेलिंग, काहे का डिस्ट्रीब्यूशन, काहे का सेलिंग का खर्चा, काहे का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा।
तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अपने कर रहे हैं, जब भी मैं बोलूंगा कि अपने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो एक खर्चा तो हमको 100% इग्नोर करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसमें नहीं आता है, ठीक है। हाँ ओके, समझ गए। दूसरी बात, ये बात भी सब लोग एग्री कर लेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये खर्चा तो यूनिट्स के ऊपर हुआ है 100%, और ऑफिस एंड एडमिन भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को क्या बताया था, अभी याद करो, जब हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहे थे, व्हाट आई टोल्ड यू कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्यों आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसके बाद एफजी क्यू एडजस्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स की कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिन के खर्चों को ऐड करते हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। आ रही क्या बात समझ में? यस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडमिन को पीएनएल में डालता है, और क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग का आइटम है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में कभी भी ऑफिस और एडमिन नहीं इंक्लूड होता, बताओ, है ना? याद करो ना, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में सारे ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे आ जाते हैं, जबकि क्लोजिंग स्टॉक अपना ट्रेडिंग में निकल चुका रहता है। तो हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, उसमें कभी ऑफिस और एडमिन ऐड नहीं होता है, बट कॉस्टिंग बोलता है करो ऐड। कॉस्टिंग बोलता है ऑफिस और एडमिन का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हुआ है, फिनिश गुड्स जितने भी बने हैं, जितने भी फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आप किए हो, सब में ऐड करो, सब में ऐड करो ऑफिस और एडमिन का खर्चा, और जितने यूनिट बिकेंगे उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का करो। ओके, तो उस स्थिति में हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वैसे तो देखो मैं तुम लोगों को एक लाइन में समझा सकता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है, पर यूनिट निकाल लो और क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मैं एक लाइन में इस डिस्कशन को खत्म कर सकता था, बट आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो, और वो कंफ्यूजन फिर एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो, ताकि फिर इसके बाद कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना आए। क्या कि हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो हम उसमें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स तक के सारे आइटम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली हुआ है उसके ऊपर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्टली हुआ है, फिर ऑफिस एंड एडमिन भी इनडायरेक्टली हुआ है, किसके ऊपर? सारे एफजीज के ऊपर, सारे फिनिश गुड्स के ऊपर। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर से एक बार, क्योंकि जो यूनिट्स बिके नहीं है उसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं होगा। जो यूनिट्स अभी तक नहीं बिके हैं, पड़े हुए हैं मेरे पास, उसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, क्या क्या कैरियज का खर्चा नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। तो जब यहां पर मैं वैल्यूएशन करूंगा, तो मैं इसका टोटल लूंगा, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 लेबर प्लस 800 फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 1200 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय 50 यूनिट। तो यह आ जाएगा बेटा मेरा कितना आया था, 70 रुपए आया था ना, 70 रुपए पर यूनिट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, पर यूनिट। अब यहां पर अगर आप देखोगे, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आया है 34,200, और ये 34,200 रुपीस का खर्चा करके मैंने बनाया है 17,100 यूनिट। कितने यूनिट बनाया मैंने? 17,100 यूनिट। तो जब मैं यहां पर इसको 17,100 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 17,100 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो यूनिट्स प्रोडक्शन होके बाहर निकली उसका पर यूनिट कॉस्ट है बेटा 2 रुपए। क्या है पर यूनिट कॉस्ट? 2 रुपए। तो जो 1100 यूनिट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो जो 1100 यूनिट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, उसके एक यूनिट की कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की, वो है 2 रुपए। तो उस हिसाब से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? 2200 रुपए। और पर यूनिट कॉस्ट अगेन 2 रुपए आया था, 2200 डिवाइडेड बाय 1100, 2 रुपए पर यूनिट। अच्छा, इसको 1700 से क्यों नहीं डिवाइड किए? अरे भाई 2200 किसकी कॉस्ट है, 1100 यूनिट की कॉस्ट है। ठीक है, मेरे को बताओ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 17,100 यूनिट्स, दैट इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये किस चीज की कॉस्ट है बच्चों? ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट, ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट। और यहां पर दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1100 यूनिट्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1100 यूनिट से, पर यूनिट बेस निकालेंगे, ऑब्वियसली 2 ही आएगा, कॉमन सेंस। और इसको हम 17,100, तो कोई बच्चा यहां ये मत बोलना कि 2200 को भी मैं 17,100 से डिवाइड करूंगा, भाई कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स,
जितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ, कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। क्लियर है सबको यहां तक की कहानी? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स एनी डाउट यू आर गेटिंग हियर, प्लीज टेल मी, लेट मी नो, तो आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। बताओ बताओ जी बताओ, क्लियर है सबको? यस 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 यस, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन डू क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट लेना है और उसको क्लोजिंग स्टॉक के जितने यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ लिख ले भैया, बिल्कुल लिख लो। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी नीड टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना बनाया हमने, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, इजी, नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। एवरीवन एवरीवन नोट दिस डाउन, हो जाए तो मुझे बताना, नोट कर ले इसे सभी के सब। और जूम कर दूं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बोल रही है ब्लर है, नेटवर्क इशू होगा डेफिनेटली। ये वर्किंग में दिखाना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जहां पर मैं बोलूंगा दिखाने वहां पर दिखाना है बस। ये एकदम ऑब्वियस है ना ध्रुव, हम लोग कॉस्ट शीट में ही निकाल दिए ना, हम लोग तो कॉस्ट में ही निकाल दिए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो रुपए, तो ये एकदम ऑब्वियस है, तो ये नहीं दिखाना पड़ेगा, बट जहां दिखाना पड़ेगा आई लेट यू नो, ठीक है। जहां पर वर्किंग नोट्स इज गोइंग टू बी योर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज जस्ट फॉर आर रेफरेंस, कि हम लोग याद रखें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था या क्या डिस्कशन हुआ था। सेकंड रीड करो ना, सेकंड लाइन में रीड कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू होगा कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, ओके ओके, आई बी कूल, डन 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 डन। वैसे तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, जैसे ही क्लासेस हो जाएंगी विद इन 24 आवर यू विल गेट ऑल दी नोट्स इन योर ड्राइव, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट पार्ट, कि अगर कोई नोट्स हमसे स्किप भी हो जाता है तो हम लोग सिंपली ड्राइव से उसको लेके फिर बाद में नोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए पोर्शन। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 10th पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे, और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं है, चलो। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एफ जी के एडजस्टमेंट के बाद, कैसे आएगा, 7 + 8 - 9, तो डेफिनेटली हमारे पास वो तो है नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो 34,200 माइनस वी विल डू 2,200, सो व्हाट विल गेट, 32,000 रुपीस, ओके। मेरे को कोई बताएगा बच्चों, प्लीज मेरे को बताओ, वैसे तो एकदम भी ऑब्वियस है, मेरे को बताओ 32,000 को कितने यूनिट से डिवाइड करेंगे, आराम से टाइम ले लो, एक मिनट का टाइम ले लो भले, सोच के बताओ 32,000 को कितने यूनिट से डिवाइड करूं। सही आंसर एक्सपेक्टेड है, सही आंसर एक्सपेक्टेड है, बताओ, सारे बच्चे बताएंगे 32,000 यूनिट्स को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट है ये। मैं तुमसे सिंपली ये पूछ रहा हूं,
कि 32,000 इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मच यूनिट्स, तुषार पहली बार दिखा है मेरे को चैट बॉक्स में, गायब था अभी तक, गौरव अभी अभी एक्टिव हो रहा है, यार चैट बॉक्स में एक्टिव रह करो यार, सब लोग कूद कूद के चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन होते रहना चाहिए, कितने सारे बच्चे रहते हैं जो चैट बॉक्स में यार चलो ठीक है क्लास चल रही है समझ में आ रहा है क्या, बस आंसर देते रहना चाहिए, पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फिर उससे एंगेजमेंट बनी रहती है, मजा आता है चैट पढ़ के। वेरी गुड, 100% ऑफ द आंसर इज गोइंग इज करेक्ट, ध्रुव, प्रतीक्षा, अनुष्का, अनुशुभ, तुषार, प्रेम, अकुल, प्रिया, पिंकी, गौरव, अनिकेत, श्रेयांशी, एवरी वन, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 16,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ये, वेरी इजी, जिसको नहीं समझ में बता देता हूँ, 17,100 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया बट उसमें से 1,100 यूनिट चला गया क्लोथिंग स्टॉक में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, 16,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, और वैसे तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, 17,100 यहां पर माइनस हो गया 1,100, जैसे अमाउंट माइनस हो रहा है वैसे यूनिट्स भी तो माइनस हो रहे हैं, 17,100 माइनस 1,100, 16,000 यूनिट बचा है। सर फिर चैट ही पढ़ने पढ़ने का मन करता है, हाँ ये भी बात है, मोबाइल फोन वाले बच्चों को थोड़ा ड्रॉबैक है, वो लोग फुल स्क्रीन रहते हैं जब चैट में आते हैं तो फिर इतने भी चैट्स नहीं हो रहे इधर, नहीं बट एंगेजमेंट रहता है क्या बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, इसके बाद हमारा क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स बोला था 0.5 पर यूनिट, तो लिखते हैं यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 0.5 इनटू, गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, रितेश को पहले ही पता था भैया ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पहले ही चैट बॉक्स में लिख दिया ना, उसको पता चल गया था अच्छा हाँ पूछने ही वाले हैं वैसे, चलो क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ साथ के साथ में, बताओ 0.5 इनटू हाउ मच, 0.5 इनटू हाउ मच, यस वेरी गुड यार वेरी गुड, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है तुम लोग का, पहले ही क्वेश्चन में सारा चीज करेक्ट, 16,000 यूनिट, जितने यूनिट्स बिके उसके ऊपर होगा ना सेलिंग का खर्चा, जितने यूनिट्स बिके उसके ऊपर होगा, इसको भी भैया कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्या कैलकुलेटर से, नहीं 0.5 पर यूनिट, पर यूनिट तो 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, इसके बाद बेटा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 12th पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 40,000 रुपीस, और डेफिनेटली ये 2.5 आएगा, 16,000 से डिवाइड करके देख लो, डिवाइडेड बाय 16,000 तो यू विल गेट 2.5 एज कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 16,000, ठीक है, ये सब तुम लोग लिखना नहीं है ना डिवाइडेड बाय 16,000, ये सब ये जो ग्रीन में मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये सब चीजें एग्जाम में अपने को नहीं लिखनी है, तुम लोग के रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डन, देन 13 पॉइंट में वी विल फाइंड प्रॉफिट, बट हाउ वी कैन फाइंड प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट फाइंड करने के क्वेश्चन में दो तरीके होंगे जनरली एकदम, पहला तरीका होगा क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज बता देगा ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स, ऑन सेल्स बताया ऑन कॉस्ट हम निकाल लेंगे, उसका एक तरीका बताऊंगा तुम लोगों को, फाउंडेशन में जो पढ़े हैं उनको ऑलरेडी आता है 1/4, 1/5 आता है ना, जो फाउंडेशन में पढ़े हैं मेरे तो उनको ऑलरेडी आता होगा 1/4, 1/5, जो नहीं पढ़े हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे देखेंगे उन लोगों को नहीं आता होगा, तो उन लोगों को मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा कि कॉस्ट सेल्स पे दिया हुआ है तो कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं ऐसा टाइप का, बाकी अगर नहीं दिया हुआ है तो तुमको कई बार सेल्स दे देगा, क्या दे देगा सेल्स दे देगा, डायरेक्ट पकड़ा देगा सेल्स, तो तुमको सेल्स लिखना है और सेल्स माइनस कॉस्ट कर देना तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो क्वेश्चन में मेरे को सेल्स दिया बेटा 4 रुपये प्रत्येक यूनिट का, 4 रुपये प्रत्येक यूनिट का सेलिंग प्राइस दे के रखा है, तो यहां मैं लिख देता हूं सेल्स 16,000 यूनिट मैंने सक्सेसफुली बेच दिए हैं अपने ही पहले ही अप्रैल के महीने में जो कि बहुत खुशी वाली बात है, तो 64,000 इज गोइंग टू बी माय सेलिंग प्राइस, माइनस कर दूंगा 40,000, तो 24,000 इज गोइंग टू बी माय प्रॉफिट फॉर द मंथ, और व्हाट वी कैन से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द मंथ, और पर यूनिट बेसिस पे फाइंड करेंगे तो 1.5 एंड 4, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये सब तुम लोगों को बच्चों वाली हरकतें एग्जाम में नहीं करनी है, कौन सी बच्चों वाली हरकतें, ये वाली, ये सब मैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, जो मैं ये सब लिखा हूँ ये लिख सकते हो, ये सब अलाउड है, हाँ ये सब तो अलाउड है, बाकी नहीं, ठीक है, 2 रुपीज का प्रॉफिट, 1.5 का प्रॉफिट, हाँ 1.5 का प्रॉफिट, तो नाउ यू कैन नोट दिस डाउन, ओके बच्चों, और मैं तुम लोग एक चीज और बता दूं कि कभी कभी क्या हो रहा होगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं मोस्टली क्लास में 90% ऑफ द क्लास में हमारे कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट ही हो रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं दे आर लाइक फर्स्ट मूवर्स, हम लिखेगा भाई कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेगा, पहले हम लिखा ही कार्यक्रम करेगा, तो वो मेरे को पसंद नहीं आता है जनरली, क्यों,
क्योंकि यार लिखने का काम तुम बाद में बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। तुम अपने फ्रेंड से नोट्स मांग सकते हो, जिसकी राइटिंग स्पीड फास्ट है वो लिख ही लेता है जल्दी जल्दी, ठीक है, बाद में जब मैं बोलता हूँ तुमको नोट्स गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं लिखने के, बट समझने का अपॉर्चुनिटी जो वही रहेगा जब मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग उस टाइम पे फोकस करोगे कि भैया बोल क्या रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस, लिखने का मैं टाइम तुमको प्रॉपरली दे दूंगा। ये नोट हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है, नोट कर लो, हो जाए तो बताइए। ठीक है, हो गया क्या बताओ? डन 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 डन, हाँ आज ही मिलेगी मुस्कान, आज ही मिल जाएगी, 100% आज मिल जाएगी, कोई बात ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। चलो खुशखबरी है बच्चों आप लोगों के लिए, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इट नाउ। करो सॉल्व, चलो मेरे को आप लोग बताओगे सीधा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया और टोटल कॉस्ट कितना आया, ये दो चीज आप कॉमा कॉमा करके बताओगे। अनुष्का बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं चला 1.5 घंटे कब निकल गए। अनुष्का कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा होता ही है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जनरली वेरी कॉमन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करने में हम लोगों को 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं, और जैसे जैसे वी विल लाइक गेटिंग कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट वी विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग। ओके यस, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। देखो वैसे क्वेश्चन में ऊपर कुछ भी काम का नहीं है, बस आपको एक चीज हेडिंग में डालने के लिए लिख लेना है यहाँ पर जनवरी मंथ की कॉस्ट शीट आप बना रहे हो। बाकी मैं यहाँ पर एकदम जूम कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज एकदम क्लियरली दिखे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ओके। और जिन बच्चों को अगर नहीं भी शो हो रहा होगा उनके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप वहां पर कंफर्टेबली देख सकते हो। ग्रुप में सेंड कर दियो, प्रतीक्षा प्रतीक्षा आप ग्रुप से देख सकते हो बेटा क्वेश्चन। हाँ प्रतीक्षा का थोड़ा नेटवर्क इश्यू है आज, चलो बताओ। पर यूनिट भी निकालना है, पर यूनिट क्वेश्चन बोला है क्या? नहीं बोला है बेटा, पर यूनिट क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया है। और एकदम रफली मत बनाना, फॉर्मेट बना के बनाओ अच्छे से, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई इशू नहीं है, टाइम की कोई कॉन्स्टेंट नहीं हमारे पास, हम बड़े आराम से करेंगे सिलेबस, ऑन टाइम खत्म होगा, बिफोर टाइम खत्म होगा, ठीक है, टाइम का कोई भी बाउंडेशन हमारे पास नहीं है, तो आप एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएगी, कौन सी फैक्ट्री में जाएगी, कौन सी ऑफिस में जाएगी, कौन सी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, कौन सी डायरेक्ट्स है।
कर चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबा मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई सहारा। रितेश ग्रुप का लिंक आपको मिल चुका होगा बेटा मेल पे ऑलरेडी। चंगा जुते अत मिलन बधाइया, चंगा जुते चंगा जुते अत मिलन बधाइया, चंगा जुते जुते अत मिलन बधाइया के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा कमाने है जमया एक सूरमा 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 जग लिख गया नई कहानी जग लिख गया रुके वो काफी रुके ना तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी मार ही लेंगे अब तो बाजी जग लिख गया नई कहानी जग लिख गया जग जितते अत मिलन बधाइयां जग जितते जितते अत मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा कमाने है जमया एक सूरमा 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 पूछ रहे हैं ये कौन सा गाना था। जग्गा जितया बेटा जग्गा जितया जग्गा जितया मतलब जग को हम जीत लेंगे बताओ नहीं बन रहा क्या मैं बताऊं क्या मैं बताऊं रितेश आपको ग्रुप का लिंक मिल चुका है क्या मेल पे आप देखो मेल पे आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर्थ या फिफ्थ लाइन पे ही ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा तो आपको उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है बेटा। अनिकेत बोल रहे हैं 93,150 है फैक्ट्री के ओवरहेड्स। अच्छा ओवरहेड्स तो बताने नहीं थे फैक्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है और टोटल कॉस्ट बताना है। फैक्ट्री कॉस्ट 93,150 ओके विल चेक वी विल चेक वेट कर रहे हैं। अच्छा मतलब बेसिकली वेट कॉमा हम लोग कर रहे हैं सॉल्व ऐसा okay.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 98,700 और आंसर आ रहा है। अभी तक मेरे को एक दो तीन आंसर बस मिले हैं अलग अलग फैक्ट्री कॉस्ट के और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। फटाफट करो बेटा फटाफट। चलो ठीक है, अभी इनिशियल लेवल है तो थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्लो रहोगे कोई बात नहीं, आफ्टर 5 to 10 क्वेश्चन यू विल फाइंड सम स्पीड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 96,550 प्रेम का। अनुष्का का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ धीरे से, बाकी तुम लोग साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हो कि कहाँ तुमसे मिस्टेक हुई होगी या फिर सही आंसर भी हो सकता है तुम्हारा। क्योंकि हमको कॉस्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है तो आई विल डायरेक्टली फाइंड टोटल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डाउन कॉस्ट, ठीक, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। नंबर ऑफ यूनिट्स इज नॉट गिवन, ठीक है, और होप सो तुम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे होगे कि तुमको उसके सेंटर में लिखना है। 94,150 मुस्कान का आया है, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 97,100 अनिकेत का आया है, सबका डिफरेंट आया है, सबका तो हो सकता है किसी एक का ही सही हो, सकता है सबका भी गलत हो, क्या पता। चलो पर्टिकुलर्स एंड वी विल फाइंड टोटल कॉस्ट। ओके तो लेट्स जस्ट फर्स्ट वी विल टेक, मैं यहां से तुम लोगों को टिक टिक मार मार के दिखाते जाऊंगा कि मैं क्या लेते जा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस 57,000 और 28,500। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट पेजेस। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं लिखा हुआ था। कुछ बच्चे इसमें आपत्ति दिखा सकते हैं, यू नो व्हाट, कि भैया यहाँ तो हमको कंज्यूम्ड नहीं देके रखा है, मटेरियल देके रखा है, तो क्या हम इसको एज्यूम कर लें कि ये कंज्यूम्ड है। तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मेरे को नहीं दिख रही वैसे कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है रिलेटेड टू परचेजेस एंड ऑल दिस स्टफ, तो वी कैन सिंपली एज्यूम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन, कंज्यूम्ड ही दिया होगा क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो यही खर्चा हुआ हो गया होगा, ठीक है, और ये पूरा यूज हो गया होगा। ओके तो दिस एंड दिस थिंग इज डन, ठीक है, तो व्हाट वी कैन फाइंड नाउ, प्राइम कॉस्ट बेसिकली 1 + 2, दैट इज 57,000 प्लस 28,500, तो वी गेट 85,500 रुपीस रिस्पेक्टिवली एज अवर प्राइम कॉस्ट। इन द फोर्थ पॉइंट वी विल राइट डाउन फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स ओवरहेड्स, और इसके अंदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइटम्स आर देयर, वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बच्चे बता रहे हैं अब तो 1,03,200। हम लोग लास्ट में देखेंगे किसका आंसर सही रहा। तो देखो कौन सा फैक्ट्री में आएगा, ये है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में आएगा, ये जाएगा ऑफिस में, प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री में होती है यार, प्लांट का डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री का हीटिंग और लाइटिंग फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी भी फैक्ट्री में जाएगी, ऑफिस की सैलरी बेटा ऑफिस में जाएगी, डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है, टेलीफोन और पोस्टेज ऑफिस में लगता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला काम ऑफिस में चलता है, लीगल चार्जेस लॉयर वायर की फीस ऑफिस में चलती है, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, सेल्समैन की सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगती है, शोरूम जहां पर हम लोग अपना सामान बेचते हैं, कार वार का शोरूम होता है ना, उसका रेंट तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन गया ये,
ठीक है, और दिस इज नथिंग बट सेल्स, तो ये किसी खर्चे का पार्ट नहीं है, तो ये चीज हमने बिफोर गेट अप कर ली है। तो फैक्ट्री रेंट एंड रेट 2500 का है, फैक्ट्री रेंट एंड प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्लांट डेप्रिसिएशन, प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000 रुपये का है, प्लांट डेप्रिसिएशन बेटा 1250 का है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग के चार्जेस हैं 400 रुपीज रिस्पेक्टिवली, एंड फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है हमारी 2000 रुपये की। तो व्हाट इज गोइंग टू बी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, 2500 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 400 प्लस 2000, तो ये आ रहा है 7150। फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट, नाइन्टी टू सिक्स फिफ्टी इज द फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई खर्चे में कोई दिक्कत? यस, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन है नहीं इसमें। ओपनिंग क्लोजिंग WIP वगैरह नहीं हमारा, तो सीधा हमारे ऑफिस में, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स वाले पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को शायद आइडेंटिफाई करके बता दिया, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, इसके अलावा क्या, टेलीफोन एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड लीगल चार्जेस, दीज आर द 6 एक्सपेंसेस। तो ऑफिस रेंट एंड रेट्स का अमाउंट कितना है? 500। ऑफिस की सैलरी कितनी है? 1600। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितने का है? 1500 रुपये का। टेलीफोन एंड पोस्टेज है हमारा 200 रुपये का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 100 रुपये की, और लीगल चार्जेस है 150 रुपये का। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? फोर जीरो फाइव जीरो इज द टोटल। व्हाट वी कैन गेट एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा यहाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा। पूछो क्यों? सोचो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को कर देते हैं एडजस्ट, और उसके बाद मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो यहां पर ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ना ओपनिंग और क्लोजिंग FG है, तो हम सीधा इन तीनों स्टेप को स्किप करके लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मान के चल रहे हैं जितना बनाया पूरा बिक रहा है, जितना बनाया पूरा बिक रहा है, ठीक है। तो सीधा तीन स्टेप को स्किप करके लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो ये आ जाएगा 92650 को ऐड करते हुए 96700, और कुछ बच्चों ने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 96700, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया था, तो डेफिनेटली तुम्हारा सही आंसर था वो। एट है तुम्हारा बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर बायफॉरगेट करके, इन टोटल 3 है, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन की सैलरी और शोरूम का रेंट। अमाउंट कितना है? 1500, 2500 और 500, 1500, 2500 एंड 500 रिस्पेक्टिवली।
this is simply 4500 as total. So we will get now cost of sales. So what is this? 1,01,200. Yes. 10th में हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि हमको पता नहीं है, बट हमको सेल्स दे दिया ये वाला क्वेश्चन। तो मैं बोला कभी प्रॉफिट देके रखेगा, कभी सेल्स देके रखेगा। सेल्स थी मेरी 1,16,000 रुपए की, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्स 1,16,000 रुपए। इसको माइनस कर देते हैं हम 1,16,000 रुपए, तो व्हाट वी विल गेट 14,800 एज अवर प्रॉफिट। ठीक है, डन बेटा, डन डन डन। अब इसको नोट डाउन करो और कहाँ पर गलती थी एक बार चेक कर लो। अच्छा, अमाउंट गलत नोट कर लिए थे, मेरे को लगा ही था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब इतने सारे अमाउंट लिखे रहते हैं ना, तो फिर वो नहीं करते बनता है। मतलब ऐसे देख के गए हैं प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नीचे 1,250 देख लेते हैं, तो वैसा होता है स्क्रीन में देखने से, आई नो। तो इस वजह से गलती होगी, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अमाउंट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर थे कि कौन सा आइटम किसके अंदर पे आ रहा होगा। चलो इसको फटाफट से सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक्स के अंदर पे। इसके बाद कुछ खबरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ही सॉल्व करना है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन फैक्ट्री में डाल दिया था मुस्कान बेटा। डायरेक्टर जो है वो फैक्ट्री में नहीं जाता है, डायरेक्टर जो है डायरेक्ट रेम्यूनरेशन, डायरेक्ट नहीं डायरेक्टर, हाँ। तो डायरेक्टर जो है वो फैक्ट्री में नहीं जाता है, डायरेक्टर का काम जो होता है वो ऑफिस के अंदर पे होता है, तो इस वजह से डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन जो है वो ऑफिस एंड एडमिन में आएगी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्सचर देखने को मिलेगा आपको। ओपनिंग क्लोजिंग WIP FGB है, और वो जो परसेंटेज लगाते हैं ना हम लोग, वो भी है उसका क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है भैया, आप चैप्टर वाइज नोट दोगे या पूरा मटेरियल? तो मैं तुम लोगों को नोट दिए करूंगा कुछ इस प्रकार से कि देखो यहाँ पर मेरे पास शेयर का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से मैं इसको शेयर कर दिए करूंगा। उसके बाद तुम्हारे पास सारे नोट्स हैंडी रहेंगे, तो इन फ्यूचर बाई चांस तुम लोगों को कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई भी नोट्स रेफर करने का मन करे, तो आपको इसी सीक्वेंस में अवेलेबल रहेगा, लेकिन कॉस्ट शीट का अलग, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ऐसा होगा। जैसे मान लो अभी जो मैं नोट बना रहा हूँ, मैं कॉस्ट शीट की बना रहा हूँ, तो ये कॉस्ट शीट की नोट है, तो ये आपको विद एनोटेशन, अच्छा क्वेश्चन बैंक, वही चैप्टर वाइज हर फोल्डर में अलग अलग। रीजन बीइंग क्या है कि देखो मैं एक बार दे देता हूं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमको चैप्टर वाइज चाहिए। चैप्टर वाइज क्यों चाहिए? क्योंकि हम एक एक करके प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है, हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं, बीकॉम स्टूडेंट हैं, डायरेक्टली आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑफिस के प्रिंटर का सही उपयोग करना हमें आता है। आर्टिकलशिप लाइफ में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट दे रहे हैं, है ना, ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट में चढ़ाए, बीच में 20 पेज अपने डाल दिए, 20 पेज का क्वेश्चन बैंक डाल दिया अपना कॉस्ट शीट का, इधर से 20 पेज भी निकल गया, ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट के बीच में है, ऑडिट रिपोर्ट लिए, 20 पेज धीरे से निकाले, स्टेपलर मारे बैग में, और फिर ऑडिट रिपोर्ट को स्टेपल करके सबमिट, सिंपल। तो दिस इज ठग लाइफ ऑफ आर्टिकलशिप। ठीक है, यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, जो कि डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होते हैं, रिकॉर्डेड है, लाइव वाले देख रहे हैं, आप लोग ये चीज कब एक्सपीरियंस करोगे? जब आप लोग फाइनल में होगे, तो फाइनल में आपकी आर्टिकलशिप चल रही होगी, एट द सेम टाइम आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा उपयोग करोगे अपने ऑफिस के प्रिंटर का। ठीक है, और ऑफिस की बहुत सारी वस्तुओं का यूज करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं का, मतलब तुम लोग अपने आप ही सीख जाओगे, सिखाने की जरूरत क्या है। ठीक है, कि क्या क्या उपयोग में लिया जा सकता है। ओके, डेफिनेटली, तो वो कुछ है नहीं यार, अब हम लोग की स्टाइपेंड इतनी कम रहती, क्या करें, हम लोग की स्टाइपेंड इतनी कम रहती है, क्या करें, तो करना पड़ता है ना, ये सब थोड़ा सा फ्रिंज बेनिफिट्स ले लेते हैं हिडन। ध्रुव बोल रहे कैफे वाले ज्यादा पेज में सस्ता लगा देते हैं। मुस्कान बोल रही है YouTube में कम डाटा लगता था, इधर ज्यादा लग रहा है। यस मुस्कान, इधर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा यार, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा है ना, इसलिए। खत्म ना हो जाए, नहीं खत्म नहीं होगा, 2 घंटे की क्लास में मैं श्योर हूँ खत्म नहीं होगा आपका डेट। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू डू। ओके, यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा इधर है क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर है, तो व्हाट वी कैन डू इज,
ओके हेलो जी नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल. ठीक है, सेव डेटा कैंपेन ज्वाइन करो कल से. ये सेव डेटा कैंपेन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमको यूट्यूब नहीं चलाना है, हमको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, हमको फेसबुक नहीं चलाना है, हमको व्हाट्सएप नहीं चलाना है, हमको कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करनी है, हमको कोई भी फोटोज वीडियो शेयर नहीं करने हैं किसी को. ये सब करने से हमारा डेटा डेफिनेटली सेव हो जाएगा. इसके अलावा हमको मम्मी को मोटिवेट करना है कि मम्मी प्लीज अंडियो वाले व्हाट्सएप ग्रुप अपलेफ्ट कर दो, जहां पर अननेसेसरी की वीडियोज वगैरह आते रहती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते रहते हैं और वो अपने आप डाउनलोड होकर आपका डेटा खत्म हो जाता है, ताकि अगर हमारा डेटा कल को खत्म हो जाए तो हम आपके हॉटस्पॉट से भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं. क्योंकि दिन का आखिरी समय होता है सबसे प्रिस्टीज, सबसे मतलब फन वाला समय होता है हमारे लिए, कॉस्टिंग की क्लास, वो हम नहीं स्किप कर सकते. ठीक है, और उसका ऑलरेडी मम्मी वाला तो जरूर करना है, बिल्कुल करना है एकदम. चलो तुम लोगों को मैं अमाउंट में वो बना देता हूँ, लाइनिंग कर देता हूँ, ताकि तुम्हारा इस बार अमाउंट में गलती होने की गुंजाइश जो है वो ना रहे. ये क्वेश्चन तुम लोगों को बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे क्यों हैं यहाँ पर. कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूँ. परसेंटेज ऑफ वर्क्स एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट वेजेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्क्स एक्सपेंसेस है, वर्क्स एक्सपेंसेस का मतलब क्या है बताओगे मेरे को चैट बॉक्स में एक बार? मेरे को वर्क्स एक्सपेंसेस का ऑफिशियल नाम बताओगे जो हम लोग बार बार बोलते हैं? ये घुमा के बोल रहे हैं, प्लीज टेल मी वर्क्स एक्सपेंसेस ऑफिशियल नेम. वेरी गुड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग को डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे लेना है. ठीक है, ले लेंगे. एंड द परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस वर्क्स कॉस्ट. तो ऑफिस ओवरहेड्स को हमको वर्क्स कॉस्ट का परसेंटेज लेना. ठीक है, समझ गए. इसका एक काम है, मैं तुम्हें को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या बोलते हैं इसको. ओवर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको. एक टॉपिक होता है हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन करके इसको पढ़ते हैं, तो वहां पर उपयोग में आता है. तो मैं पहले ही बोला था तुम लोगों को कॉस्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आने वाले चैप्टर से बहुत यूज आएंगी, उसमें से एक है ये. जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग लगाया जाए. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुंग हार दो. आन वान शान या की जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो। मान पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम बुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ओके ओके ओके, चलो जी, टाइम इज अप। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। हाँ जी बच्चों, कहाँ हैं सारे बच्चे? ध्रुव, मुस्कान, अनुष्का, अकुल, अनिकेत, और कौन है? तुषार बस आंसर किया अभी तक। मुस्कान, मुस्कान का तो लगता है डेटा ही खत्म हो गया होगा। मुस्कान की जिंदगी में आज मुस्कान नहीं है लगता है, क्यों मुस्कान है ना? ऐसा क्या आपको भी लगता है कि आज मुस्कान की थोड़ी कमी हो गई है जिंदगी में? हाँ देखो, मुस्कान को लग रहा है। तुषार ने कॉस्ट ऑफ गुड्स का आंसर चेंज किया है और 1,800 प्ले, ओके 1,800,000। चलो जी बच्चों, मैं स्टार्ट करूं धीरे धीरे सॉल्व करना, स्लोली स्लोली। आप चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हो निकाल के, इधर स्लोली स्लोली फॉर्मेट बनाता हूं। 59,000 एक आंसर आया है पिंकी का। इज आल्सो एन आंसर। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है लास्ट क्वेश्चन से हमारा
डिसाइड होगा कि हमको आज चैन की नींद आएगी या नहीं। लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा चैन की नींद आएगी। ओके, ध्रुव का भी 59,000 है तो मैं उसी में कंसिडर कर रहा हूँ उसको। फॉर द मंथ ऑफ अच्छा बस कोई मंथ मंथ था नहीं, चलो ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन। ओके चलो, फर्स्ट में क्या है हमारा, सुनना इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट था भैया। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल देके रखा है, रॉ मटेरियल का कुछ तो भी ओपनिंग स्टॉक भी देके रखा है, रॉ मटेरियल का कुछ तो भी क्लोजिंग स्टॉक भी देके रखा है क्वेश्चन में। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चे देके रखे हैं या नहीं देके रखे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके यस भैया, तो यहाँ लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है बच्चों, 30,500। ऐड कर देते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मच परचेज, 25,000 इज द परचेजेस। अब इसमें कुछ लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हाउ मच, 48,500। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इट्स गोइंग टू बी 30,500 प्लस 25,000 माइनस 48,500। यूज ही क्या हुआ, 7,000 मात्र मात्र 7,000 का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। चलो सेकंड, डायरेक्ट लेबर, व्हाट वी विल गेट, डायरेक्ट लेबर कितना है, 20,400। तो क्या आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट में, प्राइम कॉस्ट। भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, नहीं है बेटा। तो 20,400 आ जाएगा, दिस इज 27,400। भैया कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालेंगे क्या, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा वी विल नॉट डू दिस सेवा एनी मोर, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट वाली सेवा हम तभी करेंगे जब हमको क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड करेगा कि यार कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखा दो। इसके बाद आप देखोगे तो तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे हमें चाहिए हैं, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे ये रहे हैं हमारे 10,500 रुपीज का फैक्ट्री का ओवरहेड है हमारा, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 10,500, राइट। ओके, सो व्हाट वी विल गेट इन द फिफ्थ पॉइंट, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG and WIP। अच्छा क्यों लिख रहे हो भैया इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में FG और WIP है तो इस क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा। मैं बोला ना इस क्वेश्चन में नहीं स्किप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में है तो लिखना पड़ेगा बॉस। ओके 37,900, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट पे हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड सेवेंथ पॉइंट हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओके सो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, इट्स 8,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 9,000, 8,000 and 9,000 क्रॉस रेफरेंसिंग कराया भाई। तो ये देखो 8,000 and 9,000 क्लियर। बस सारे बच्चे बोल रहे 59,000 हमारा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस कुछ ही चंद मिनटों में आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG ओनली, क्योंकि WIP तो एडजस्ट हो गया। तो बस 1,000 कम कर देना है तो 36,900 आ जाए फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG। इसके बाद क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG के बाद हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं भैया हमको एक बात बताओ, ठीक है बच्चों पूछो भैया, क्या हमको जो क्वेश्चन में नाम दे के रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस, हमें मन में पता है कि ऑफिस एंड एडमिन का ओवरहेड है, बट हमको क्वेश्चन में नाम ऑफिस एक्सपेंसेस दे के रखा है, तो क्या एग्जाम में कंपलसरली मुझे ऑफिस एक्सपेंसेस लिख के आना पड़ेगा, या मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिख दूंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा, इतना भी ज्यादा इंस्टीट्यूट जो है प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो इतना ज्यादा चीजों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं। बट अगर आपका मन है क्वेश्चन में जो नाम देकर रखा है वो भी लिख के आ सकते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस छोटा नाम है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फुल फॉर्म में लिखोगे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा क्रिटिकली सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं उठ के आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 36,900 प्लस 5,400, तो व्हाट वी विल गेट एज 42,300 एज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू एडजस्ट हियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG
finished goods and at the same time closing stock of finished goods. So opening stock of FG है 20,400, closing stock है 10,000, 20,400 and 10,000. So we are going to get cost of goods which is going to be sold. Okay, 10 plus 11 minus 12. थोड़ी हमें खास ही हुई है बट ठीक हो जाएगी एक दो दिन में बस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 52,713 नंबर पॉइंट तक. इसके बाद लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस. दो देके रखे क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3800 और 2500 रुपए अलग अलग देके रखा है इस क्वेश्चन में. 3800 सेलिंग का खर्चा देके रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन का 2500 देके रखा है. तो दोनों को एड करके हमको ले लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. भैया अगर मैं ऐसे लिख दूं सेलिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दूं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और दोनों को अलग अलग ले लूं तो क्या काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम यहाँ पर साथ साथ में ले रहे हैं तो 3800 है और एक 2500 है. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 6300 प्लस 52,700 तो इट्स 59,000. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों. कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका बिल्कुल भी सही आया है. सभी बच्चे 59,000 बोल रहे थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मैं मान के चलूंगा आपने सक्सेसफुली इसको सही सॉल्व किया है. इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे प्रॉफिट तो देन वी आर गोइंग टू गेट अवर सेल्स. ठीक है, तो वेयर द सेल्स इज गिवन, इधर 95,000 देके रखा है. वी आर गोइंग टू सिंपली टेक 95,000 एज अवर सेल्स एंड प्रॉफिट वी कैन फाइंड आउट 95,000 माइनस 59,000 और प्रॉफिट इज 36,000 रिस्पेक्टिवली. ओके डन एवरीवन. कॉस्ट शीट में सबका क्लियर है क्या ये बताओ मेरे को? कॉस्ट शीट ये वाला क्लियर है क्या सबको बताओ? यस भैया क्लियर है. बच्चे बोल रहे हैं छुट्टी की एक्सपेक्टेड है, गुंजाइश हमारी छुट्टी की, बस दो मिनट में आपको छुट्टी मिल जाएगी. एक और चीज क्वेश्चन हमसे पूछी थी और वो था कि एब्जॉर्प्शन रेट बताओ. क्या बताओ? एब्जॉर्प्शन. क्या एब्जॉर्प्शन रेट? कि आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे चार्ज करोगे तो कितना परसेंटेज है, मतलब कितना परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज योर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये पूछा था हमसे क्वेश्चन. एक बार दिखाया जाए, ये देखो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो डायरेक्ट वेजेस के कितने परसेंटेज है हमें बताओ. तो निकाल लेते हैं, वेरी इजी. चलो कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट. ओके, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन रेट? टू बी डिस्कस्ड लेटर, बाद में कभी डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के. अभी देसी भाषा में बात कर पा रहे हैं, देसी भाषा में भैया बोल रहे हैं कि ये बता दो कि फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे कितने परसेंटेज है, मतलब कितना परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का हमारा खर्चा बन के आ रहा है इस कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग. तो वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर. डायरेक्ट लेबर, तो देखो भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हमारे, ये देखो ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारा कितना बेटा, 10,500 रुपए का खर्चा हुआ है. उस टाइम पे लेबर में कितना खर्चा हुआ? 20,400. तो ऊपर लिखो 10,500 जिसका निकालना है और नीचे लिखो किसके बेसिस पे निकालना है. तो बेसिस क्या है बेटा? 20,400 × 100. अच्छा भैया अगर बोलता मटेरियल के बेसिस पे निकालो तो 10,500 डिवाइडेड बाय 7,000. अगर बोलता फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे निकाल दो तो 10,500 डिवाइडेड बाय 37,900 रुपीस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बेसिस जो है, जो वो क्वेश्चन बोलेगा वो बेसिस हमको डिनोमिनेटर में ले लेना है. तो 10,500 डिवाइडेड बाय 20,400, ये पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर पार्ट. ओके, 51.47%, मतलब इसका मीनिंग क्या है, बोलते कैसे हैं इसको? इसको बोलते हैं कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो लेबर के खर्चों के 51.47% है. मतलब जितना लेबर का खर्चा होता है, मान लो लेबर का 100 रुपए खर्चा होता है तो उस टाइम पे फैक्ट्री के अंदर 51.47 रुपीस खर्चा होता है. सिंपल, इसको बोलते हैं ऐसे कि अगर लेबर का 100 रुपए खर्चा हो रहा है तो उस टाइम पे फैक्ट्री के अंदर खर्चे जो हो रहे हैं 51.47. दैट्स इट. ठीक है, यस वी आर गेटिंग इट भैया. चलो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ. सेकेंड में क्या बोला है क्वेश्चन? ऑफिस एक्सपेंसिस निकालना है वर्क कॉस्ट में. ठीक है,
ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन वर्क्स कॉस्ट. तो ऑफिस में अपने कितने खर्चे हुए हैं? 5400. यस ओके. अब भैया ये बता दो हमें क्या बताना है कि भैया वर्क्स कॉस्ट बोला है क्वेश्चन. देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है वर्क्स कॉस्ट. बट भैया वर्क्स कॉस्ट तो आपने दो दो लिखवा के रखे यहाँ पर. एक ये वाला वर्क्स कॉस्ट है और एक ये वाला वर्क्स कॉस्ट है. एक है एफ जी एंड डब्ल्यू आई पी और एक एफ जी. तो सुनो, जो चीज आप निकाल रहे हो उसके इमीडिएट ऊपर वाला लेते हैं टोटल. निकालने का बेसिस क्या होता है कि आप जो भी चीज निकाल रहे हो उसके जस्ट इमीडिएट ऊपर जो टोटल होता है वो उसका बेसिस होता है. ठीक है, तो अब बताओ ऑफिस एंड एडमिन के इमीडिएट ऊपर ये है कि ये है? ऑफिस एंड एडमिन के इमीडिएट ऊपर ये है कि ये है? ऑब्वियसली ये है, ऑब्वियसली ये है. दूसरा भैया ये तो याद करने वाला पार्ट हो गया. लॉजिक बताओ ना. लॉजिक बड़ा सिंपल है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को किसमें ऐड करते हो? फिनिश गुड्स में ऐड करते हो. किसमें ऐड करते हो? फिनिश गुड में ऐड करते हो. तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी लोगे कि फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी लोगे? भाई नहीं, डब्ल्यूआईपी नहीं होता है. डब्ल्यूआईपी में हम ऑफिस एंड एडमिन नहीं ऐड करते. बोलो हाँ. डब्ल्यूआईपी में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं ऐड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो तो अभी आधा बने हैं. उसमें क्या ऑफिस का खर्चा, क्या एडमिन का खर्चा, वो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन में. तो ये लॉजिकल पार्ट है कि हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर वर्क्स कॉस्ट पे निकालने बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क्स कॉस्ट ऑन एफजी वाला लेंगे, डब्ल्यूआईपी वाला नहीं लेंगे. डब्ल्यूआईपी वाला जो है वो नहीं लेंगे, एफजी वाला लेंगे. तो याद करने के पर्सपेक्टिव से इमीडिएट ऊपर वाला टोटल और समझने के पर्सपेक्टिव से कि ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा एफजी में मानते हैं हम लोग, तो 36,900 उठा लेंगे. क्या भैया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है एब्जॉर्प्शन रेट्स का? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जिसका जो मन करता है वैसे निकालता है वो. 14.63%. तो दिस टू इज गोइंग टू बी योर आंसर. दिस इज योर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट, दिस इज योर सेकंड एब्जॉर्प्शन रेट. अच्छा ये काम क्या आता है? अगले पीरियड में जब कॉस्ट शीट बनाओगे ना तो वहां पर अगर खर्चे नहीं दिए रहेंगे, कौन से खर्चे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस के खर्चे नहीं दिए रहेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे नहीं दिए रहेंगे, तो इन रेट्स को लगा के खर्चे निकाल लोगे उस पीरियड के कॉस्ट शीट में. क्या हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं? 100% करेंगे. ठीक है, तो अगर ये वाला पूरा पोर्शन नहीं भी समझ में आया होगा ना, एब्जॉर्प्शन रेट नहीं भी समझ में आया होगा, तो मैं लिखा हूं टू बी डिस्कस लेटर. इसका पूरा टॉपिक डिस्कस होना है कि एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं. प्रीवियस पीरियड का पास्ट का डेटा उठाते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट्स को निकालते हैं और करेंट पीरियड में लगा के कैलकुलेट करते हैं. एवरीवन क्लियर है क्या? तो ये आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट से और उसके बाद हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है आज के लिए. फिलहाल इतना ही. होप सो आपको मजा आया होगा इन द थर्ड क्लास ऑफ योर कॉस्ट शीट चैप्टर. एवरीवन कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दो चैट बॉक्स. कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हमारे पास है, प्लीज बता दो. अनुष्का बोल रही है ऑलमोस्ट मेरा डाटा भी समाप्त हो गया है इसीलिए क्लास भी समाप्त हो गई है. दिस इज द कनेक्शन बेटा, स्टूडेंट टीचर का ये तो कनेक्शन होता है कि मेरे को पता चल गया अंदर से, मेरे को वाइब्स आने लगी कि बच्चों का डाटा खत्म हो रहा है. तो चलो यार क्लास को समाप्त करते हैं. ओके बच्चा पार्टी, तो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट. ओके चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिवाइज करके आइयो.